हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के 13वें दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं ऑनलाइन व्यूअर्स और यहाँ पे प्रभु जी और सारे गुरुकुल के स्टूडेंट को। भागवत में लिखा है, दूसरे अध्याय में हमने देखा था प्रथम स्कंद में, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती निष्ठ की। अगर हमें भगवान की वो निष्ठावान भक्ति प्राप्त करनी है तो क्या करना है? नित्यम भागवत का श्रवण करना है। और कैसे श्रवण करना है? श्रद्धा पूर्वक। जब ऐसे श्रीमद् भागवतम का हम श्रवण करते हैं और ऐसे भागवतों गुरु परंपरा से हम श्रवण करते हैं तो क्या होता है? हमारी भक्ति निष्ठावान हो जाती है। तो आइए ऐसे गुरु शिष्य परंपरा श्रील प्रभुपाद जी का स्मरण करते हुए आज श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा। तो पिछली बार हमने देखा कि महाराज परीक्षित को जब श्रृंगी ने श्राप दे दिया उनके पिता समीक ऋषि का अपमान करने के लिए, कि 7 दिन में महाराज परीक्षित का शरीर जो है वो नष्ट हो जाएगा सर्प के काटने से, ये जब समाचार सुने परीक्षित महाराज तो घबराए नहीं। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को हस्तिनापुर का सम्राट बना करके गंगा नदी के तट पे जा करके अमरण अनशन करने का निश्चय किया। इनके इस निश्चय को सुन करके ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, देव ऋषि, महर्षि, सारे त्रिभुवन से सारे ऋषि वहां पे उपस्थित होने लग गए हैं। कारण क्या था कि ऐसा महाभागवत जिसकी बारे में बताया गया था 12वें अध्याय में कि ये महाभागवत कैसा होगा, प्रजा का पालन करेगा इक्ष्वाकु के जैसे, भगवान राम के जैसा सत्यनिष्ठ होगा, शिवी महाराज के जैसा शरणागति वाला होगा, प्रहलाद के जैसा महाभागवत होगा और प्रजाओं का पालन कैसे करेगा जैसे एक माता पिता करते, इस प्रकार से ऐसा महाभागवत जब अपना शरीर त्याग कर रहे हैं तो सारे ऋषि वहां पे उपस्थित होते हैं। तो फिर महाराज परीक्षित पूछते हैं कि क्योंकि आप सभी उपस्थित हो गए यहाँ पे, मेरे को बताइए कि एक व्यक्ति के लिए सबसे परम कर्तव्य उसका ड्यूटी क्या है, और खास करके जो मरने वाला है, जो अपना शरीर को त्यागने वाला है, जो मरना आसन पे बैठा हुआ, उसके लिए परम कर्तव्य क्या चीज है। जब इस प्रकार से सारे ऋषि आपस में चर्चा करने लग गए, कुछ कहे योग है, कुछ कहे कर्म करना चाहिए, कोई कहा यज्ञ करना चाहिए, कोई कहा तप करना चाहिए, उसी समय व्यास पुत्र व्यास नंदन सुखदेव गोस्वामी, जिनको किसी आश्रम और वर्णों से कोई मतलब नहीं था, जो अवधूत के वेश में वहां पे भगवान कृष्ण की कृपा के कारण प्रकट हो गए, और जैसे ही महाराज परीक्षित ने देखा, सारे ऋषियों ने देखा, तुरंत सभी लोग खड़े होकर के, क्योंकि वहां पे व्यास देव
और स्वयं नारद मुनि भी प्रकट थे, उन्होंने भी सुखदेव गोस्वामी का स्वागत किया और सुखदेव गोस्वामी को आसन देने के बाद महाराज परीक्षित ने वही प्रश्न किया जो उन्होंने सब ऋषियों से कहा था कि आप मुझे बताइए कि सर्वोत्तम जो परम सिद्धि प्राप्त करने का पथ क्या है और क्या सुनना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं श्रवण करना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, इन चीजों का आप मुझे बताइए। सुखदेव गोस्वामी को जब इस प्रकार से उन्होंने प्रश्न किया, कहा खास करके उस व्यक्ति के लिए बताइए जो मरण स्थान मरने वाला है। ये सुन करके सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए हैं और सूत गोस्वामी अब यहां से बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने क्या बोला। तो आइए हम चलते हैं आज से वो सुखदेव गोस्वामी जो कि आत्मा राम हैं, जो कि सारे ऋषि मुनियों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनको श्रेष्ठ कहा गया, सारे गुरुओं में श्रेष्ठ हैं क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भागवतम का जो ज्ञान है जो उन्होंने अपने पिता से लिया था उसका वक्ता बने, प्रथम वक्ता। ऐसे श्रीमद् भागवतम को श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा था, जब सारे देवता वहां पे प्रकट हो गए, पद्म पुराण में आता है कि उन्होंने कहा कि सुखदेव गोस्वामी जी कृपया करके ये अमृत ले लीजिए और इस अमृत को क्या परीक्षित को दे दीजिए, परीक्षित इसको पीने के बाद क्या हो जाएगा, अमृतत्व प्राप्त कर लेगा, तो और उसके बदले में मुझे क्या दे दीजिए, हम लोग को क्या दे दीजिए, ये श्रीमद् भागवतम श्रवण करने का हमको स्वर्ग में उपलब्ध कराइए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा अरे मूर्ख, ये श्रीमद् भागवतम को अमृत से तुम कंपैरिजन कर रहा है, तुलना कर रहा है, ये अमृत से भी तुलना करने के चीज नहीं है, ये श्रीमद् भागवतम ना स्वर्ग में है, ना कैलाश में है, ना वैकुंठ में है, ये सिर्फ और सिर्फ इस धरती में है। इसीलिए वो कहते हैं हे परीक्षे, ये श्रीमद् भागवतम का मुंचति पीते रहो, पीते रहो, क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम के रस का स्वादन पीते पीते व्यक्ति क्या हो जाता है, भगवान के जो पदाम्बुजम जो पद है श्री कृष्ण के चरण के प्रति निष्ठावान होकर के भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो आइए हम भी चलते हैं आज श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद, जो कि पहला और दूसरा स्कंद भगवत के भागवत और भगवान से भिन्न अलग नहीं है, भगवान के जो प्रथम और दूसरे स्कंद हैं भागवत के वो भगवान के चरण हैं। तो चलिए दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय में प्रवेश करते हैं और क्या बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी ने जब ये प्रश्न सुना, किसका इतना उत्साहित हो गए कि सूची मंगला चरण तक नहीं किया और उन्होंने बोला कि वरियान ऐसे ते प्रश्न कृतलोको हितम निप आत्मविसम्मत प्रंसम श्रोतव्यादि सुया परा। कहते हैं कि वरियान महिमा से युक्त है आपका ये प्रश्न, परीक्षित को कह रहे हैं और कह रहे आत्मवित्त सम्मत, जितने आध्यात्मवादी हैं, जितने स्पिरिचुअलिस्ट हैं, ज्ञानी योगी कर्मी जो भी हैं कर्म योग में, ऐसे सारे लोगों का सम्मत है, क्या सम्मत है कि आपने जो प्रश्न किया है, आपका प्रश्न क्योंकि भगवान से जुड़ा है इसलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ आपने प्रश्न किया है जो कि लोकहितम, आपका प्रश्न अद्भुत है। पहले सबसे पहले तो कह रहे हैं कि आपका जो प्रश्न है वो अद्भुत है, इसी का श्रवण करने से व्यक्ति की सर्व मंगलमय हो जाता है, लोकहित में है यह आपका प्रश्न। तो प्रशंसा कर रहे हैं परीक्षित महाराज के प्रश्न का कि आपने जो प्रश्न किया है बहुत ही उत्तम है, लोकहित में है और सारे लोगों के द्वारा सम्मानित है ये प्रश्न जो आपने पूछा है कि सबसे परम श्रेय क्या होना चाहिए, परम विषय क्या होना चाहिए, किसके बारे में सुनना चाहिए। तो दूसरे श्लोक में पहले सुखदेव गोस्वामी बता रहे कि क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं स्मरण करना चाहिए, किसके बारे में नहीं बोलना चाहिए, इस चीजों का सबसे पहले यहां पे बताएंगे। और यहां पे श्री प्रभुपाद जी कहते भी हैं कि ये श्रीमद् भागवतम, जैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने जो
श्रीनाथ चक्रवर्ती जी हैं चैतन्य मांगल मंजूषा में अपने टीका में लिखते हैं कि आराध्यो भगवान व्रजे सतन्यस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गे न वा कल्पिता श्रीमत भागवतम पुराण ममलम प्रेमा पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रा न धरा परा। कि महाप्रभु का क्या मत है कि ये धर्म अर्थ काम मोक्ष तो ठीक है लेकिन परम सिद्धि क्या है? कृष्ण की प्रेम प्राप्त करना। और वो कहां से प्राप्त होगा? श्रीमद् भागवतम जो कि अमलम पुराणम है उसके श्रवणम करने से ही प्राप्त हो सकता है। उसके आगे अब परीक्षित को बता रहे हैं कि क्या नहीं श्रवण करना चाहिए। तो कहते हैं श्रोतव्य दीनी राजेंद्र निर्णाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। देखिए शब्द आया है गृहमेधि का, दो शब्द हैं गृहस्थ गृहमेधि। गृहमेधि कहने का अर्थ है जिसका जीवन का लक्ष्य क्या है? सिर्फ अपनी भोग, कैसे पैसा इकट्ठा करें, कैसे ये जमीन जायदाद बढ़ाएं, कैसे लोगों गृहमेधि। गृह शब्द होता है घर से, और गृहिणी, गृहिणी जैसे स्त्री को कहते हैं तो पत्नी को, तो जब तक व्यक्ति विवाहित नहीं होता है तब तक वो ग्रह गृह मतलब कि गृहस्थ या गृह में नहीं जाता है। लेकिन गृहस्था आश्रम और गृहमेधि में अंतर आता है। यहाँ पे गृहमेधि के बारे में बता रहे हैं कि गृहमेधि जो लोग होते हैं, दूसरे श्लोक में गृहमेधि के बारे में बता रहे हैं कि गृहमेधि लोग कैसे होते हैं। उनके पास बहुत चीजें होता है सुनने के लिए, दुनिया भर का चीज सुनते हैं, जैसे न्यूज़पेपर भी हम देखते हैं, हजार चीज दिया रहता है, इसका कत्ल, इसका चोरी, इसका रेप, इसका प्रॉपर्टी लूट लेना, ऐसे हर चीज, पॉलिटिक्स जिससे भगवान से कोई संबंध नहीं, कितना आनंद आता है लोगों को पॉलिटिक्स में ये सब चीजों में। तो उसी तरीके श्रोतव्य दिनी राजेंद्र निर्णाम सहस्रशी, सहस्रो हजारों हैं उनके पास टॉपिक बात करने के लिए। किनके पास? गृहमेधि लोगों के पास। गृहस्था अलग चीज है, गृहस्था में जो होते हैं उनका एक ही आज रहता है, उनका जीवन का लक्ष्य ही होता है कि कृष्ण की प्राप्ति, भगवान का स्मरण करते हैं, घर में ऑल्टर रखते हैं, डीटीज रखते हैं, विग्रहों की सेवा करते हैं, उनको भोग लगा करके भोजन प्राप्त करते हैं और कीर्तन करते हैं। उनका पूरा उद्देश्य मध्य जो सेंटर जो होता है जीवन में जीने का वो भगवान कृष्ण ही रहते हैं। लेकिन गृहमेधि का क्या होता है, ये कैसे, हाँ अरे वो कैसे कार्य किया, उसका चुगलखोरी, ये सब चीजों में ज्यादा उसका आनंद रहता है। और उनका जीवन कैसे बीतता है? तो कहते हैं अगले श्लोक में निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवावे न च वावया दिव्याचार्थे राजन कुटुंबरणे नवा। कि रात उनका गुजरता है सिर्फ किसमें? सोने में, निद्रा, और दूसरा कि मैथुन जीवन में, दो चीजों में उनका रात गुजरता है। और सुबह क्या करते हैं? दिव्याचार थे, कहाँ है पैसा, कहाँ है पैसा, पैसे के लिए भागते रहते हैं। इसीलिए जब जा रहा होता है कली हंसते हुए तो परीक्षित ने पूछा था, क्यों परीक्षित तुमको लगा, कली कह रहा था कि सिर्फ भगवान के नाम का स्मरण करने लेने से कोई व्यक्ति छूट जाएगा इस कलयुग में? हाँ छूट तो जाएगा, लेकिन उसको नाम स्मरण करने दूंगा तब ना, ऐसा घुमाऊंगा उसको दिन रात, दिन में उसको भगाऊंगा पैसे के लिए इधर उधर, और रात को उसको सिर्फ सुलाऊंगा या सिर्फ मैथुन जीवन में उसको। तो उसका दिन रात जो गृहमेधि का क्या रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ पुमसान, और कि सारे लोगों का सम्मति है किसका, ये जो अध्यात्मवादी है उनका सबका सम्मति है। क्या सम्मति था? कि आपने जो प्रश्न किया बहुत अच्छा प्रश्न किया, ठीक है। प्रश्न उठता है कि अच्छा ये लोग देख क्यों नहीं पाते हैं, ये लोग भगवान का स्मरण क्यों नहीं कर पाते? पश्यन अपि न पश्यति, देख कर भी अनदेखा करना,
क्या अनदेखा करते, उनको लगता है कि मेरी मृत्यु नहीं आएगी, या उनको ये लगता है कि मेरा जो देह है या मेरा जो जमीन है या मेरे पुत्र हैं या मेरे जो रिलेटिव है वो मुझे बचा लेंगे। पहला चीज तो ध्यान देने वाला है कि पश्यन अपि न पश्यति, देख रहे हैं कि हर व्यक्ति मरता है, कुछ नहीं जात में जाता है, अकेले चला जाता है। जब सिकंदर भी मरा था तो उसने कहा था कि मेरे दोनों हाथ ऊपर ऐसे खड़ा कर देना, क्यों कि दुनिया देखे कि सिकंदर जीता तो पूरा जगह पूरा साम्राज्य जीत गया, पूरा विश्व जीत गया, लेकिन जब जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा। देखता है व्यक्ति, हर व्यक्ति देखता है कि कुछ लेके नहीं जाता है, फिर भी क्या होता है उसको लगता है कि शायद मैं कुछ लेकर के चला जाऊंगा, और या उसको ऐसा लगता है कि मैं नहीं मरूंगा। इसीलिए सबसे आश्चर्य का चीज, जब यक्ष ने पूछा था धर्मराज युधिष्ठिर से कि तुम क्या देखते हो युधिष्ठिर इस जगत में सबसे आश्चर्य का चीज, तो युधिष्ठिर महाराज ने यही कहा था, आहनी आहनी भूतानी, कि धीरे धीरे व्यक्ति, हर व्यक्ति मर रहा है लेकिन उसको लगता है शायद वो मरा है, मेरा वो गंतव्य नहीं है, और या उसको ये लगता है वो मर गया पर शायद मैं अभी नहीं मरूंगा। तो इस प्रकार का आश्चर्यजनक, पश्यन अपि न पश्यति, अनुभव कर रहा है फिर भी उसको क्या लगता है, अपने ये ऐसे सोल्जर कौन से, आत्म सैन्य, कैसे उसके सैन्य देह और कौन है, कला कलत्रादेशु, मतलब कि जो उसके देह से उत्पन्न हुए स्त्री और बच्चे धन संपत्ति ये सब उसको लगता है, लेकिन कह रहे हैं ये सब क्या असत है, खुद वो नहीं स्थिर है, वो लोग भी स्थिर नहीं है, तो वो क्या उसकी रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार से चौथे में बता रहे हैं कि देखकर भी अनदेखा करता है ऐसा व्यक्ति कौन, जो हमें ये होते हैं, इनका जीवन सिर्फ भोग विलास में लगा हुआ है, ऐसे लोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, फिर यहां तक तो बता दिया कि क्या नहीं सुनना है, क्या नहीं स्मरण करना है, क्या नहीं बोलना है, तो करना क्या है, आखिर किसके बारे में सुनना है, किसके बारे में स्मरण करना है, क्या बोलना है, तो कहते हैं तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य शेषता भयम्। कि कह रहे हैं जिसको इच्छा है अभय प्राप्त करने की, कैसा अभय, ये जन्म मृत्यु के संसार से जिसको निकलने की इच्छा है उसको क्या करना चाहिए, किसके बारे में श्रोत करना चाहिए, किसके बारे में सुनना चाहिए, किसके बारे में स्मरण करना चाहिए, तो कहते हैं हे भरतवंशी, हे महाराज परीक्षित, उसको उस भगवान के बारे में सोचा करना चाहिए जो सर्वात्मा है। ऐसा नहीं कि उनको यही प्रिय है, यही प्रिय, सभी उनको प्रिय है, इसलिए उनको सर्वात्मा कहा गया। भगवान है वो, कौन भगवान, वो साक्षात भगवान है। और कहते हैं ईश्वर, क्योंकि पिछले वर्ष में बोला ना कि देहेश्व, जो देह ये सब कल जो हमारे पति पत्नी पुत्र जो भी संपत्ति है धन प्रॉपर्टी ये रक्षा नहीं कर पाते, तो क्या ये भगवान भी रक्षा नहीं कर पाते, नहीं, ईश्वर है वो, रक्षा करने में प्रबल है, देने में आपको सामर्थ्य है, तो इसलिए उनको कहा सर्वात्मा, सभी के लिए, ऐसा नहीं किसी विशेष को करते, सभी के लिए हैं, ईश्वर है, भगवान है, हरि है। यहां पे शब्द हरि इसलिए कहा गया है कि हरि जो होते हैं वो क्या होते हैं, हर लेते हैं, तो ये सारे कष्टों को हरने वाले ऐसे भगवान है, तो इसलिए कहा गया है तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छताम भयम्। उन्हीं का सिर्फ श्रोत करना चाहिए, सुनना चाहिए, उन्हीं के बारे में बोलना चाहिए और उन्हीं के बारे में श्रवण करना चाहिए और स्मरण भी करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि सर्वप्रथम मनुष्य को क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए भगवान के बारे में, क्योंकि जब तक श्रवण करेगा नहीं कृष्ण के बारे में, हरि के बारे में, विष्णु के बारे में, उसको स्मरण कहां से होगा। आप स्मरण किस चीज का करोगे, जिसके बारे में सुने होगे उसी का ना स्मरण करोगे, आपने सुना ही नहीं है भगवान के बारे में आप कैसे स्मरण करोगे। आप जब सुनोगे ओ कृष्णा ऐसे हैं,
चतुर्भुज है, पीताम्बरी उनका धोती है, मुकुट ऐसा है, नेत्र ऐसे हैं, कमल के जैसे नेत्र हैं, श्याम वर्ण का है, तब ना आप स्मरण करोगे अच्छा ये, नहीं तो फिर आप स्मरण क्या करोगे। तो इसलिए सबसे पहले श्रवण जब व्यक्ति करता है तब वो बोलता है, क्योंकि वेसल में जो चीज आप डालोगे, जैसे पानी भरते जाओगे तो निकलेगा क्या, पानी निकलेगा ना। अगर उसमें मान लो शराब डालोगे तो शराब निकलेगा। तो जैसे गो इन गो आउट कहते ना, गीगो फिलोसफी। तो उसी तरीके से जब कान में जो चीज डालते रहेंगे भगवान के बारे में तो वही चीज निकलेगा। और अगर दुनियादारी सारा चीज पॉलिटिक्स ये गंदा गंदा चीज डालेंगे तो उसी के बारे में निकलेगा। तो इसलिए अब फिर उसी के बारे में निकलेगा, उसी का स्मरण भी करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी से कहते सबसे पहले श्रवणम, बाद में कीर्तनम और स्मरणम जो है वो अपने आप तैयारी हो जाता है जब व्यक्ति श्रवणम करता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि किसके बारे में श्रवण करना चाहिए, तो कह रहे हैं कि हरि के बारे में, भगवान हरि के बारे में व्यक्ति को श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और क्या करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। वो भगवान हरि जो सभी कष्टों को हरण करने वाले, और ऐसे व्यक्ति को जो इच्छुक हैं, जो अभय चाहते हैं, हर कोई अभय चाहता है, हर कोई चाहता है कि फियरलेस जीवन, जिस व्यक्ति को भी इच्छा है उसको भगवान हरि की, तस्मा सर्वात्मना भगवतनो ईश्वरो हरि, इस प्रकार से कहते हैं। अच्छा, आप जो बोल रहे हैं, कोई कह सकता है कि ठीक है आप जो कह रहे हैं उसका प्रमाण दीजिए, क्या पहले कोई किया है क्या ऐसा, ठीक है। तो इसके बाद कहते हैं सुखदेव गोस्वामी अगले ही श्लोक में बोलते हैं कि क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परपुंसम अंते नारायण स्मृति। अब इसका दो अर्थ हम ले सकते हैं। पहला चीज कि जो भी लोग जो सांख्य योग मतलब ज्ञानी हैं, जो योगाभ्यास जो योगा का अभ्यास करते हैं, जैसे पतंजलि योग सूत्र योगी जो लोग हैं वो लोग, और जो स्वधर्म परिनिष्ठया जो अपने धर्म को, जो कर्मी कर्म योगी होते हैं, जो आपने योगा लैडर पढ़ा अभी होगा गीता में कि एक होता है सकाम कर्मयोग, एक होता है निष्काम कर्मयोग। तो ये निष्काम कर्मयोग की बात की जा रही है। तो जो कर्मी योगी हैं, एक जनरल टर्म यूज करें तो कर्मी ज्ञानी और योगी, ये सभी क्या इनका जीवन का लक्ष्य जो है क्या प्राप्त करना होता है, ये रिजल्ट तभी आपको मिलता है जब अंते नारायण स्मृति, नारायण की स्मृति होनी चाहिए। और या तो ये भी कहा जा सकता है कि ज्ञानी कर्मी और योगी कोई भी हो, उसको अपना जो लक्ष्य मिलना है, जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, उसको उस लक्ष्य को तभी वो मिलेगा जब वो नारायण की स्मृति करता है। बिना नारायण की स्मृति किए ना तो आपका जो कर्म करते हैं, जो कर्म योगी जो कर्म करते हैं उनका परफेक्शन उनको मिलेगा, ना जो ज्ञानी जो लिबरेशन जो ब्रह्म पे ध्यान लगाते हैं वो मिलेगा, अन्ना योगी जो परमात्मा में रियलाइजेशन करते हुए वो परफेक्शन उनको तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो नारायण का स्मृति कृष्ण का स्मृति नहीं करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कौन थे ज्ञानियों में, चतुष कुमार, चार कुमार, नौ योगेंद्र योगी थे, और कर्मी में कौन था, प्राचीन बरही देखेंगे चौथे स्कंद में। तो ये लोगों को भी जो लक्ष्य परम लक्ष्य मिला कैसे मिला, भगवान नारायण का स्मृति करने से। तो अंते नारायण भगवान स्मृति। और एक और इसका अर्थ हो सकता है कि सारा योगा प्रोसेस का एक ही जीवन का लक्ष्य है क्या, कि नारायण की स्मृति होनी चाहिए अंतकाल में। क्योंकि जैसा व्यक्ति अंतकाल में, भगवान बोलते ना गीता में कि यम यम वापी स्मरण भावम तजेते अंत कलेवरम, जैसे जैसे जो जिस भाव में इस शरीर का त्याग करता है उसको वैसा ही वो शरीर प्राप्त होता है। तो इसलिए यहां पे कहते हैं नारायण की स्मृति होनी चाहिए अंतकाल में, यानी हर प्रोसेस के बाद कोई भी जीवन का परफेक्शन है उसमें नारायण की स्मृति होना चाहिए। इसीलिए आप देखो कोई भी चीज करते हैं भगवान का, किसी का भी नाम ले लो, सूर्य के 108 मंत्र में विष्णु आता है, आप कोई भी यज्ञ करते हो देखना विष्णु या किसी प्रकार से भगवान का मंत्र आता है, ओम
स्वयं भगवान बोलते हैं ओम जो प्रणव मंत्र है वो मैं ही हूं। तो इस प्रकार से, क्योंकि बिना भगवान के टच से, बिना भक्ति से, बिना नारायण से परफेक्शन मिलता नहीं है। अच्छा ये तो हो गया। अब यहां पे बोलते हैं परीक्षित महाराज पूछते हैं कि अच्छा कोई ऐसा पुराण उड़ाण है क्या कि जिसको स्मरण करने से कुछ भगवान को तुरंत हम सोच लें ऐसा। तो कहते हैं है ना, द्वापर के अंत में जो तीन सेक्शन मैंने बताया था ना, हर एक युग का पहला सेक्शन, मिडल सेक्शन, लास्ट सेक्शन, द्वापर के अंतिम में सेक्शन के लास्ट सेक्शन का जो पहला भाग था जहां सत्यवती के गर्भ से मेरे पिता व्यास देव प्रकट हुए, उन्होंने क्या किया, नारद की कृपा से ये श्रीमद भागवतम दिया। और ये श्रीमद भागवतम जो अमलम पुराणम है जिसमें सिर्फ भगवान की कथा और कीर्तन का चर्चा और कोई चर्चा नहीं है उसका उन्होंने दिया। तो यहां पे कह रहे हैं, तो अच्छा उससे पहले, इसमें जाने से पहले सातवां श्लोक तो हमने देखा नहीं, तो सातवें श्लोक में कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, सभी विधि विधानों से भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। अच्छा ये भी देखिए, जो भगवान का कीर्तन, जैसे स्वयं सूत गोस्वामी को कहते सौनक आदि ऋषि अपना, अरे हजार साल से तपस्या कर रहे थे, हजार मतलब कि साल के लिए आए थे, यज्ञ कर रहे थे, मुंह पूरा काला हो गया धुआं से, आंख में धुआं झांझा करके आंसू निकल रहा है, जब से आपने थोड़ा सा हरि कीर्तन किया, अरे क्या आनंद आ रहा है कि पूछिए मन, कोई ना टेंशन, ना आग जलाने की दिक्कत, आजकल तो कभी कभी आग भी नहीं लगता है, तो ना आग लगाने का दिक्कत, ना यज्ञ में धुआं उखड़ने का दिक्कत, ना मुंह काला होने का दिक्कत, और पता नहीं इसका सक्सेस भी मिलेगा कि नहीं, पर आपका जो गुणगान कर रहे हैं कृष्ण के कथा का, थोड़ा सा अभी सुने थे सूत सौनक आदि ऋषि का, क्या आनंद मिल रहा, ऐसा लग रहा है कि हम लोग तो जैसे कुछ खा ही नहीं रहे थे, बेकार था, टेस्ट नहीं था, अभी जो टेस्ट लग रहा, आहा हा। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो कृष्ण का जो गुणगान है, नारायण का गुणगान, वो वास्तव में आनंद देने वाला है। और ऐसा हर कोई कहता है, सारे आध्यात्मिक जो ज्ञानी, जो योगी, जो कर्म योगी भी होते हैं, वो सब भी करते हैं। अच्छा है, आप देखो बाहर के लोग क्या बोलते हैं, अरे भक्ति योगी तो क्या है ना, वो तो सिंपल प्रोसेस है, वो तो क्या मतलब कि ठीक है, वो उन लोगों के लिए जो कर नहीं सकते हैं। पर आप देखो यहाँ पे स्वयं पादरायणा कौन, व्यास नंदन, सुखदेव गोस्वामी कह रहे कि हाईएस्ट है और इजी भी है। अच्छा मेरा प्रश्न ये रहता है उन लोगों को, अच्छा इजी है तो आप फिर करते क्यों नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, उन लोगों को क्या दिक्कत है ना, उनको ऐसे बोल दो ना कैसे पकड़ो तो पकड़ने में मन नहीं करता, कुछ घुमा के ऐसे दो ना तो फिर कहते आहा कुछ तो मजा आ रहा है, हाथ का एक्सरसाइज हो रहा है। हम कहते हैं यार सिंपल ऐसे पकड़ लो ना, क्या दिक्कत है, और जबकि इसमें हाईएस्ट परफेक्शन मिल रहा है तो फिर क्यों टेंशन, लेकिन फिर भी वो नहीं पकड़ेंगे। तो यहाँ पे कह रहे लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो हरी कथा में आनंद अनुभव करते हैं और सभी कहते हैं। अब इसके बाद कहते परीक्षित महाराज की कोई ऐसा पुराण है जिसमें हरी कथा का आनंद आए, तो कहते हैं आठवें में कि द्वापर युग के अंत में मेरे व्यास, मेरे पिता जो थे व्यास देव के द्वारा क्या हुआ, श्रीमद भागवतम कृत हुआ, उन्होंने क्या श्रीमद भागवतम का क्या किया, कंपाइलेशन किया। अच्छा श्रीमद भागवतम का कंपाइलेशन किया, फिर देखिए जब घनिष्ठ होता है ना, आप देखेंगे बार बार भागवत में जैसे नारद ने अपना एग्जाम्पल दे करके बताया व्यास देव को कि कैसे मैंने भगवान को प्राप्त किया, जैसे पांचवें स्कंध में देखेंगे महाराज रहुगण को कौन स्वयं वो बताते हैं जड़ भरत कि मैं कैसे भगवान को प्राप्त किया, वैसे ही स्वयं भगवान जो सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं किसको, परीक्षित को कहते हैं, अपना ही उदाहरण देते हैं, कहते हैं हे परीक्षित मैं कैसा था जानते हो, कहते हैं मैं परिनिष्ठो तपी न गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृही चेता राजर्षे आख्यानम यद धीतवान। अरे मैं निर्गुण मतलब कि कोई लेना देना नहीं था, मैं ब्रह्म में आनंद में लीन रहता था, मेरे को किसी चीज में, लेकिन जब से उत्तम श्लोक लीलाया, अरे उस कृष्ण की लीला का श्रवण किया, उस कृष्ण के बारे में सुना, तो क्या हो गया, गृहीत चेता
इतना मेरा जो चेतना जो मेरा फंसा हुआ था वो ब्रह्म के आनंद में, सोचिए ब्रह्म का आनंद हम नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए गीता में क्या बोलते हैं, ब्रह्म भूतो प्रसन्न आत्मा ना सोचती न कांक्षती, कि ऐसा जो ब्रह्म आत्मा होता है उसको किसी चीज की इच्छा नहीं होती, बहुत हाईर टेस्ट है। लेकिन उस टेस्ट को भी छोड़ करके सुखदेव गोस्वामी ने जब कृष्ण की लीला को सुना, आ हा हा हा, छोड़ दिया, कहा अरे धिक्कार है, ठीक, मैंने अपना जीवन वेस्ट किया इसमें। किसमें? वो खुद सातवें अध्याय में हमने देखा था कि वो सोचते मैंने क्यों इसमें टाइम वेस्ट किया, अरे कृष्ण की लीला ही सुनना था ना। सोचिए, स्वयं अपना एग्जाम्पल देते हैं, राजर्षि आख्यानम यद्धीतवान, मैंने ये श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। तो सुखदेव गोस्वामी अपना ही उदाहरण दे रहे हैं कि कितना आनंद है। अरे छोड़ो बाकी अध्यात्मवादियों को, मुझे नहीं पता, मैं अपना बता रहा हूं, मैं निर्गुण्य था, मेरे को किसी चीज में आनंद नहीं आता था, पर जब से हरि लीला सुनी, हरि की अनंत लीलाओं को सुनने के बाद क्या हो गया, हरि कथा में जो आनंद है उसका व्याख्या कर रहे हैं, अपने ही जीवन से बता रहे हैं। ये होता है जब एक गुरु जो होता है, जो अपने प्रिय शिष्य पे इतना प्रेम करता है, तो वो अपना गुह्यम चीज भी बताता है, मैंने कैसे अनुभव किया। वही चीज बोल रहे सुखदेव गोस्वामी, हरि कथा का आनंद अपना ही उदाहरण देते हुए कह रहे हैं। और अगले श्लोक में अब सुनिए, अभी तक तो सुध गोस्वामी ने बोला था कि भागवत को सुनने से क्या होता है, सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे सुख जो तोता के मुख से जो निकल रहा है, और वो क्या कहते हैं, तदहम ते भी धास्यामि महापौरुषिको भवान यस्य श्रद्धता मासु श्यान मुकुंदे मतिस्ति। अच्छा, तो परीक्षित महाराज यहाँ पे पूछते हैं कि मैं भी वो सुन सकता हूँ, तो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, अरे बिल्कुल सुनोगे, क्योंकि तुम महापौरुष हो। क्यों महापौरुष हो? क्योंकि तुम महाभागवत हो भगवान के प्रति, तुम्हारा तो इतना दृढ़ संकल्प है भगवान के प्रति, इतना प्रेम है भगवान के प्रति, तुमको तो जरूर सुनाऊंगा। और कहते हैं ये भागवत को कैसे सुनना है, यहाँ पे बहुत सुंदर चीज बोल रहे हैं, ध्यान देने वाली चीज है, श्रद्धताम आसु, श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक भागवत को श्रवण करता है, आंसू कहने का मतलब तुरंत, ऐसा नहीं कई साल बाद, तुरंत श्यान मुकुंदे मति सती, अरे उसकी मति क्या होती है, वो सती हो जाती है। सती कहने का मतलब जैसे हम सभी भगवान के अंश हैं, तो हमारी मति भगवान में लगनी चाहिए, पर अभी हमारी मति वैश्या हो गई है, हर चीज में आनंद लेता है। इधर जैसे एक स्त्री अपने पति को छोड़ करके हर जगह आनंद ले, तो क्या वो सती है? नहीं, वो वैश्या होगी। उसी तरीके से हमारी जो मति है, हमारी चेतना हर चीज में, इसमें क्या मिलेगा, इसमें क्या प्रॉफिट, ये काम वासना लोभ ये सब में लगा हुआ है। तो जो भागवत को श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसकी मति तुरंत सती हो जाती है, जिसकी मति सती हो गई उसको भगवान में रति हो जाती है, और जिसको भगवान में रति हो गई उसकी गति परम हो जाती है। तो ऐसा है ये श्रीमद् भागवतम। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो लोग ये सोचते हैं कि क्या, अरे नहीं नहीं थोड़ा सा भागवत श्रवण कर लेते हैं ना, इसीलिए मैंने आज शुरुआत में बोला नित्यम भागवत सेवया, नित्यम भागवत सेवया। और कहां से भागवत सुनना चाहिए? जन्मादस्य से लेके अंतिम श्लोक तक, जी पद्म पुराण में आता है, महाराज अम्बरीश को बोलते हैं सूत गोस्वामी, कहते हैं सूत गोस्वामी बोलते हैं या कौन बोलता है महाराज, हाँ कि महाराज अम्बरीश को बोलते हैं कि आपको श्रीमद् भागवतम कैसे सुनना चाहिए, जैसे परीक्षित ने श्रद्धा पूर्वक सुना। ये पद्म पुराण में आता है, अम्बरीश महाराज को कहते हैं कि उसी रुचि के अनुसार श्रीमद् भागवतम को सुनना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है थोड़ा दिन सुनते हैं थोड़ा दिन नहीं सुनते हैं, ऐसे नहीं होता है। श्रीमद् भागवतम को सुनने से कैसे सुनना है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक व्यक्ति सुनता है तो उसकी मति क्या हो जाती है, सती हो जाती है, मतलब कि निश्चल हो जाती है, भगवान में उसका मन लग जाता है। ऐसा है ये श्रीमद् भागवतम, और तुमको तो सुनना ही चाहिए परीक्षित। क्यों? क्योंकि तुम तो महापौरुष, तुम तो भगवान के इतने प्रिय भक्त हो, अरे तुम्हारा वंशज,
भगवान का इतना परम भक्त था तो तुमको तो सुनने को जरूर मिलेगा। इस प्रकार से जब बोलते हैं, अच्छा तो ये श्रीमद् भागवतम का सार बता देते हैं कौन, एक वर्ड में। देखिए बार बार बीच बीच में वो सार बता देते थे क्योंकि उनको भी पता नहीं था कि कहां मैं चला जाऊंगा श्रीमद् भागवतम बोलते बोलते। कौन सुखदेव गोस्वामी, कोई सात ही दिन है ना। मान लीजिए कई बार होता है ना कि जो एक्साइटमेंट में जो वक्ता होते हैं, कई बार टॉपिक एक घंटे का रहता है, एक ही घंटा समय रहता है, तो वो कवर ही नहीं कर पाते। तो इसीलिए सार बताते हैं और कहते हैं, एतान निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम योगिमाम निपनिर्णितम हरेर नामानुकीर्तनम। कि कहते हैं जो नॉन विधा है, अभी बताएंगे, कहेंगे सातवें स्कंद में बताऊंगा, जो नाइन डिवोशनल अंग है, क्या है, स्टार्टिंग होता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन। ये जो है, ये नाइन जो भक्ति के अंग है वास्तव में ये बहुत ही सुंदर हैं, लेकिन इन सब में भी सबसे महान अगर कोई पूछे तो चैंटिंग जो है भगवान का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भक्ति का जो तीन जो प्रमुख अंग है उसमें स्मरणम कीर्तनम और स्मरणम, इनमें भी कीर्तनम जो है क्या है, भक्ति का प्रमुख है। लेकिन कीर्तनम करने के लिए, कीर्तनम निश्चल होने के लिए क्या चाहिए, श्रवणम चाहिए ना। बिना श्रवणम के हम कैसे भगवान की महिमा नहीं सुने रहेंगे, तो मुश्किल है। तो अच्छा ये किसके लिए अनु, तो इसीलिए आप देखो हरे नामानु कीर्तना, अगर कंटिन्यूअस, अनु कहने का मतलब लगातार जो कीर्तन करते हैं, किसको करना चाहिए, क्या महाभागवत को है? तो कहते हैं निर्विद्यमानानाम, जो लिबरेशन चाहते हैं, जो चाहते हैं संसार से मुक्त होना, ठीक है उनके लिए। अच्छा और किसके लिए, इच्छताम, जिनको कुछ इच्छा है, कुछ पाने की इच्छा, उसको भी करना चाहिए। यानी कह रहे हैं, और योगी ना, यानी आपको स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा है, आपको मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, आपको परमात्मा का स्वरूप पाने की इच्छा है, हरि का कीर्तन करते रहो, वो इसी से प्राप्त होगा। तो क्या रिजल्ट भी सेम होगा, नहीं। कहते हैं रिजल्ट सेम नहीं होगा, क्योंकि आप तो स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हो ना, तो आपको स्वर्ग मिलेगा। जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं मोक्ष मिलेगा, जो भगवान का प्रेम भक्ति चाहते हैं उनको प्रेम मिलेगा। लेकिन मिलेगा तब जब हरे नामानुकीर्तनम, हरि का नाम का, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे कृष्ण का नामानुकीर्तनम करते रहेंगे तभी मिलेगा, नहीं तो इतना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे 11वें श्लोक में बताते हैं कि हरि नाम जो है वो क्या है, श्रेष्ठ है। यही है भागवत का सार, यहाँ पे इन्होंने बता दिया। अच्छा अब यहाँ पे एक प्रश्न उठ सकता है कि आपने जो भक्ति बताया हाईएस्ट प्रोसेस है, लेकिन अब यहाँ पे परीक्षित सोचने लग गए हैं, अरे बाबा हमारा तो जीवन व्यर्थ हो गया, अब मेरे पास सात ही दिन है, मैं कहाँ कितना सुन पाऊंगा, क्या कर पाऊंगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। ये समझ गए कौन, सुखदेव गोस्वामी, की ऐसे सोच करके उनको दुख हो रहा है। तब वो कहते हैं कौन, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये अगले श्लोक में कह रहे हैं कि अरे परीक्षित, वैसा जीवन जीने से क्या फायदा जिसमें हजारों वर्षों तक आप जी रहे हो, क्या है, भोग के लिए। पेड़ भी 100 करोड़ों साल, कई हजारों वर्षों तक जीता है, क्या फायदा उसमें। बल्कि एक मुहूर्त अगर कोई भगवान का, एक क्षण के लिए भी भगवान का स्मरण करता है, वो जीवन ज्यादा अच्छा है। यानी यहाँ पे कह रहे क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर्स देन क्वांटिटी, जीवन ऐसा जियो जहां पे क्वालिटी हो, वहां पे क्वांटिटी क्या, अरे क्वांटिटी में क्यों जा रहे हो। बहुत से लोग जीते हैं 100 साल, उनका जीवन व्यर्थ रहता है, खाते हैं पीते हैं सोते हैं मरते हैं, फिर जीते हैं खाते हैं पीते हैं सोते हैं जीते हैं मरते हैं। तो इसलिए तुम घबराओ नहीं, क्या कह रहे हैं इस श्लोक में कि क्वालिटी जो होता है लाइफ का वो ज्यादा इम्पोर्टेंट करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है देन क्वांटिटी ऑफ लाइफ। आज देखो जितने भी महान लोग हैं, आदि शंकराचार्य,
32 साल, चैतन्य महाप्रभु 48 साल, ऐसे महा महा भागवत जो हुए हैं। अब देखो उनका जीवन में, उनका जीवन कैसा रहा, वो कितना बड़ा जीवन में एक प्रकार का आंदोलन या प्रकार से भगवान के प्रचार किए हैं, उनका हम लाइफ देखना चाहिए। तो ऐसा जीवन होना चाहिए। और अगले ही श्लोक में कहते हैं कि तुम एक एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं कि अरे खटवांग करके राजा थे, सूर्य वंश में उत्पन्न हुए थे, उनको क्या हुआ, उन्होंने राजा होने के कारण बहुत ही भक्ति शक्तिशाली थे, स्वर्ग में राजाओं ने आक्रमण कर दिया, दैत्यों ने, तो उन्होंने इंद्र का सहायता करके सारे लोगों को हरा दिया। अभी इंद्र लोग बहुत प्रसन्न हो गए कि आपने हमारी सहायता की। उन्होंने बोला खटवांग को कुछ वर मांगो। खटवांग मुनि ने, खटवांग राजा ने कहा कि आप मुझे बताओ कि मेरा अभी कितना आयु शेष है। उन्होंने कहा कि बस मात्र एक मुहूर्त। एक मुहूर्त होता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 48 से 50 मिनट, 48 मिनट पकड़ लीजिए, यानी 50 मिनट, मान लीजिए एक घंटा, एक घंटा बस है, एक घंटा सिर्फ आपके पास बचा है क्या जीवन का आयु शेष है। उन्होंने कहा अगर आपकी इच्छा है तो क्या आप मन के गति से मुझे तुरंत अयोध्या धाम पहुंचा सकते हो। उन्होंने कहा पहुंचा देंगे, हमें क्या, तुरंत अयोध्या धाम पहुंचाए, मन के गति से वहीं पे अयोध्या धाम में पहुंचे, वहां पे तुरंत सब कुछ छोड़ करके भगवान राम के चरण में अपना मन लगा दिया। और उसी क्षण क्या हो गए, वो वैकुंठ आया, जिस स्वर्ग में उन्होंने सारे देवताओं का सहायता किया, वही स्वर्ग को पार करते हुए वैकुंठ धाम चले गए। कितने, सिर्फ एक मुहूर्त में। अरे तुम्हारे पास तो 7 दिन है, क्या कहते हैं, तुम्हारे पास तो 7 दिन है, अरे परीक्षित 7 दिन है, तो 7 दिन में क्या करना है तुमको। कहते हैं कि 7 दिन में ततः सर्वम, तो यहाँ पे 13वें में खटवांग राजा का उदाहरण दिए कि खटवांग राजा के पास तो एक मुहूर्त था, एक मुहूर्त में उसने भगवान हरि को प्राप्त कर लिया, तुम्हारे पास तो 7 दिन है परीक्षित, अभी तो 7 दिन बचे हैं, परीक्षित को आशा बांध रहे हैं कि ऐसा मत सोचो कि अरे मेरे पास तो अब 7 ही दिन है, नहीं, 7 दिन में तुम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हो। क्या करना है तुमको, यहाँ पे बोलते हैं तत सर्वम, और श्रील जीव गोस्वामी कहते तत सर्वम कहने का मतलब है तुमको भागवत पर सुनना है, भागवत का अब श्रवण करना है, और कुछ अपना दिमाग में मतलब ये क्या होगा, कैसे चलेगा, अरे चल रहा है कि नहीं अच्छा से। कई बार हम देखते हैं कि भागवत का श्रवण करने में लोग आते हैं, भागवत कथा में कई बार हम देखते हैं लोग फोन पे बात करते हैं, हाँ हाँ वो आया कि नहीं, माल पहुंचा कि नहीं, अच्छा वो घर में क्या हो रहा है। तो हर वक्त तो यहाँ पे कहते कि तुम ये मत सोचो जन्मे जी कैसे कर रहा है, राज क्या कर रहा है, अब तुमने दे दिया, अब तुम मरने वाले हो, 7 दिन बाकी है, बस तुम अपना पूरा तरीके से भगवान के मन में स्मरण करते रहो जिससे कि भगवान को प्राप्त हो सको। जब इस प्रकार से बोले, अभी क्या था महाराज, ये सुखदेव गोस्वामी ने सोचा, यहाँ पे पहले जब वो आए थे तो उन्होंने सुना था कुछ लोग योग का बात कर रहे थे, अच्छा कुछ लोग कर्म कांड का बात कर रहे थे, तो उन्होंने डायरेक्ट भक्ति नहीं दिया, डायरेक्ट भक्ति प्रोसेस में उन्होंने सोचा पहले इन लोगों को मैं बताता हूँ कि कैसे क्या प्रोसेस है, ठीक है फिर भक्ति को सुपर बताएंगे। तो 15वें श्लोक में वो क्या कहते हैं कि क्या करना चाहिए व्यक्ति को, पहला चीज जिस व्यक्ति को निर्भयता प्राप्त करना है, मृत्यु से निर्भय प्राप्त करना है, उसको क्या करना चाहिए, साध्वस, कौन साध्वस, जो साध्वस है, जिसको चाहिए कि जिसकी मृत्यु आ गई है उस व्यक्ति के लिए बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। कहते असंग शस्त्रेना, असंग शस्त्रेना कहने का मतलब है डिटैचमेंट, डिटैच होना चाहिए सबसे पहले सारे चीजों से, ये नहीं कि क्या चल रहा है, अभी भी धन दौलत आ रहा है कि नहीं, ये चल रहा है कि नहीं, अब हो गया जितना था, अभी मृत्यु आ गई है, असंग संस्तेना। और क्या करना चाहिए, सारे डिजायर्स, सारे देह से, देह से संबंधित जो भी चीज है, चाहे आपका ये अनु, पुत्र, पिता, धन दौलत, पत्नी, सबको अभी छोड़ो। तो पहला चीज क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति मरने वाला है, असंग संस्तेना, डिटैचमेंट, अच्छा उसको डिटैचमेंट होना चाहिए। अब आगे जो प्रोसेस बताएंगे, ये अष्टांग योग का प्रोसेस है, अष्टांग योग मतलब 8 योग अंग होते हैं। चलिए हम बता देते हैं क्या होता है अष्टांग योग, इसमें ही 16वें से ये वर्ष बताएंगे। देखिए ये इसलिए बता रहे हैं
क्योंकि कुछ लोग जब बोले थे ना अरे नहीं नहीं योग कर सकते हैं तो बच्चे ये सुखदेव गोस्वामी बताना चाहते हैं, अच्छा भाई आपको बहुत योग करने की इच्छा है ना, ठीक है तो देख लेते हैं योग करने से। अब यहां से वो बताना स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले योग में आता है यम। तो आप देखो भाई 16 वर्ष में क्या बोला जाता है, यम कैसे करते हैं। यम करने का मतलब है आपको पहले जाना घर छोड़ना चाहिए, जो व्यक्ति मृत्यु के करीब आ गया उसको घर छोड़ देना चाहिए। घर क्यों छोड़ना चाहिए कोई कह सकता है, घर इसलिए छोड़ने की बात की जा रही है कि आप मैथुन अपनी जो जीवन है उसको त्यागो, मैथुन जीवन को त्यागो, ये आपने पढ़ा भी होगा उसमें भगवद गीता। अच्छा यम के बाद दूसरा जो होता है नियम, नियम क्या होना चाहिए, 3 स्नान करो, 3 बात करो, लोग तो 1 भी बात नहीं करते आजकल ठंडे में, यहाँ पे 3 बात करो, ठीक है यम हो गया नियम हो गया। आसन, अच्छा अब आसन कैसा होना चाहिए, गीता में भी वर्णन आता है कैसा आसन होना चाहिए, यहाँ पे भी कहते हैं कि पवित्र जगह पे, ऐसे कहीं नहीं भी गंदे जगह पे बैठ गए, पवित्र जगह पे स्थान, पवित्र स्थान, पवित्र स्थान लेते हैं, जैसे कहीं धाम वाम चले गए और कहीं पवित्र जगह है, ऊंचा नीचा गीता में दिया ना, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, वैसा स्थान होना चाहिए पवित्र। अच्छा 17वें श्लोक में बोलते हैं ये तो यम हो गया, नियम हो गया, आसन हो गया, अब उसके बाद क्या आता है प्राणायाम। हाँ प्राणायाम, प्राणायाम हम लोग तो जानते ही है क्या होता है प्राणायाम, हवा मतलब की जो वायु होता है हमारे शरीर में उसको शुद्ध करना होता है। तो इसमें ओम ओवग ओम प्रणव, देखिए ओम आया ना, बिना भगवान से जुड़ा कोई भी प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं होगा। ओम और ब्रीथिंग प्रोसेस मतलब कि जो श्वास लेने की प्रक्रिया है उसको क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, ये करते हैं ना ब्रीथिंग प्रोसेस। तो ठीक है ये हो गया, ये हो गया आसन, आसन के बाद प्राणायाम। अब क्या होता है प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब देखिए मन जो है बहुत चंचल होता है, भगवान बोलते हैं ना अर्जुन पूछता है चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाति बलवद्रिरं, कि अरे चंचल है मन बहुत बलवान है, बोलो तो भगवान मैं पश्चिमी हवा को रोक दूं, पश्चिमी से पूर्वी कर दूं, लेकिन मन को चंचल है उसको कैसे रोकूंगा। तो इसीलिए भगवान क्या कहते हैं प्रत्याहार, प्रत्याहार कहने का मतलब बार बार मन को भाग रहा है उसको एकत्रित करो। तो ये प्रत्याहार मतलब कि इंद्रिय विषय से हटाना मन को, बार बार मन भागेगा इसको हटाना होगा इंद्रिय विषय। तो कैसे हटाना होता है, भगवान ने बोला है गीता में कौन सा श्लोक है कि डिटैचमेंट और वैराग्य और ज्ञान से, वैराग्य और अभ्यास से, वैराग्य अभ्यास से बार बार इंद्रिय विषय पर से मन को हटाओ, ठीक है ये हो गया। अच्छा इसके बाद क्या बताते हैं, इसके बाद कह रहे हैं 18वां श्लोक में ये, ठीक है चलो ये हो गया प्रत्याहार। ये 17वें में, ये 18वें में और प्रत्याहार, और इसमें और क्या बताते हैं प्रत्याहार के बाद क्या आता है धारणा। अभी ये धारणा किस चीज पे करना चाहिए, तो ये अभी हम बताएंगे किस चीज पे धारणा करना चाहिए। अभी धारणा है यानी फिक्स करो भगवान के जो रूप है, किसी निर्विशेष पे नहीं, ध्यान दीजिएगा भगवान के रूप पे। अब ये भगवान का कौन कौन सा रूप हो सकता है, कोई भी रूप हो सकता है, परमात्मा रूप हो सकता है, ठीक है ना, आर्च विग्रह हो सकता है, भगवान के रूप पे आप धारणा ध्यान कर धारणा करते हो। और ध्यान क्या होता है, धारणा और ध्यान में अंतर होता है, ध्यान क्या होता है भगवान के एक एक अंग पे ध्यान करते हो, ओ भगवान का चरण ऐसा है उसमें नुपुर ऐसे हैं, ओ भगवान का पीताम्बरी धोती है, ओ भगवान का चेस्ट ऐसा है, एक एक अंग में ध्यान में भगवान के एक एक अंग पे, क्योंकि क्या होता है धारणा में क्या होता है आप भगवान के रूप को स्थिर कर लेते हो, अभी तक तो मन हटाते ही रहते हो, फिर जब स्थिर करते हो मन को, अच्छा बार बार आप भगवान के ध्यान, जब एक बार जो फॉर्म होता है जो भी आपका लक्ष्य है राम कृष्ण उसके भगवान के रूप को स्थिर कर लेते हो वो धारणा होता है, फिर जब एक बार स्थिर हो गया आपका रूप तो क्या करते हो भगवान के अंग को पे ध्यान करते हो, भगवान के अंग पर ध्यान करते हैं, एक एक अंग पर भगवान के लिए। और फिर होता है समाधि, ये हो गया अष्टांग योग का 8 प्रोसेस, 8 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और समाधि में क्या होता है आपका मन पूरी तरीके से गायब हो जाता है, क्यों, क्योंकि आप पूरी तरीके से विष्णु में लीन हो जाते हो, इसीलिए
कहा जाता है, कोई दूसरा थॉट ही नहीं आता, आप विष्णु में ध्यान मग्न हो जाते हो, एक प्रकार से विष्णु में ध्यान मग्न हो जाना। यहाँ पे आपका मन रहता ही नहीं है, अब यहां से मन खत्म ही हो गया एक प्रकार से, क्योंकि आप पूरी तरीके से विष्णु में ध्यान रहता है, मन की समाप्ति हो जाती है, मन नष्ट हो जाता है एक प्रकार से, कहने का मतलब है कहीं जाता ही नहीं है उसका मन, कहने करने के बाद भी आपका नहीं जाएगा, ऐसा होता है। तो ये बताया क्या 19वें श्लोक तक कि ध्यान और धारणा ये अष्टांग योग का प्रोसेस। अगले श्लोक में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि पर क्या करे, रजोगुण और तमोगुण से व्यक्ति इतना प्रभावित है, काम क्रोध इतना है, लगता ही नहीं है मन, तो क्या करे। तो कहते हैं इसलिए धारणा जो है, धारणा को बार बार अभ्यास करना पड़ता है, ये जो है ना भगवान के रूप, बार बार। इसीलिए आप देखोगे श्रील प्रभुपाद जी ने ये अर्चक विग्रह क्यों दिया कि बार बार व्यक्ति भगवान का दर्शन करे। अरे जाएगा भगवान को नहीं देखेंगे तो कुछ और देखेंगे, भगवान का रूप का दर्शन करके, भगवान के वो जो हम ऑफर करते ना फूल, अगर उसको नहीं सुनेंगे तो कुछ और सुनेंगे, भगवान के कीर्तन को नहीं सुनेंगे तो और कुछ सुनेंगे। इसीलिए भगवान के बार बार, इसीलिए कह रहे हैं 20वें श्लोक में कि भगवान का बार बार धारणा करना होता है। और कहते हैं जो व्यक्ति भगवान का इस प्रकार से ध्यान करते हैं, धारणा जिनका स्थिर हो जाता है, वो क्या कर लेते हैं, वो बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं भगवान को। अच्छा, अब यहां तक ये बताया तो परीक्षित ने भी प्रश्न कर दिया। देखिए परीक्षित ने कई बार, परीक्षित जो प्रश्न करेंगे अपने लिए नहीं करते हैं, वो सामने बैठे लोगों के लिए प्रश्न कर रहे हैं कि कोई अच्छा पूछ सकता है कि भगवान बद्री नारायण, अरे व्यास व्यास नंदन को पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को कि परीक्षित महाराज कह रहे हैं, क्यूरियोसिटी में पूछ रहे हैं कि आपने जो तीन प्रश्न पूछना है, पहला चीज क्या पूछ रहे हैं 22वें श्लोक में, कह रहे हैं कि हमें ये बताइए धारणा जो आपने बताया, ठीक है ना, कि मन को स्थिर करें, वो कैसे अचीव करें, कैसे अचीव करें ये धारणा को। दूसरा, ये जो धारणा जो फॉर्म है, जो भगवान का किस पे लगाना चाहिए, ये धारणा का आश्रय क्या होना चाहिए, तरीके से किसके ऊपर धारणा करना है, बंदर के ऊपर लगाना है ध्यान कि किसी जानवर के ऊपर लगाना है, आश्रय क्या। और तीसरा, मन कैसे निर्मल होगा ये बताइए, मन कैसे निर्मल होगा। ये तीन प्रश्न पूछे, संबंधित है, तीनों एक दूसरे से संबंधित है, तो मन कैसे निर्मल हो। अच्छा, ये पूछा तो सुखदेव गोस्वामी ने भी उत्तर दिया। अब देखें सुखदेव गोस्वामी ने कहा सबसे पहले कि उन लोगों के लिए बोल रहे हैं, इन लोगों के लिए जो परमात्मा पे ध्यान नहीं लगा सकते हैं, उन लोगों के लिए जिनका मन बहुत चंचल है, जो बहुत कर्मिक रिएक्शन, मतलब कि इतना काम वासना है कि उनको कुछ किया नहीं जा सकता, तो उनके लिए बोल रहे हैं, और उनको भगवान पे विश्वास भी नहीं है, ये अष्टांग योग का प्रोसेस चल रहा है, मतलब कि वो कृष्णा विष्णा से प्रेम इतना नहीं रखते हैं, तो उनके लिए है। तो उनको पहले बोलते हैं ये 23 से 25 श्लोक में, विराट रूप पे ध्यान करें, विराट रूप मतलब यूनिवर्सल फॉर्म। देखिए ये विराट रूप वो रूप नहीं है जो भगवान ने अर्जुन को दिखाया, और ये भागवत में भी आप बार बार देखोगे विराट रूप अलग अलग प्रकार से बताया जाएगा, 6वें अध्याय में इसी स्कंद के 2वें स्कंद में अलग रूप से ब्रह्मा जी निर्देश करेंगे, 10वें अध्याय में अलग तरीके से बताया जाएगा। पर कहने का मतलब ये है कि वो भगवान जो यूनिवर्सल फॉर्म है, वो विराट रूप का ध्यान करो। अच्छा, ध्यान करना है तो पहला चीज ठीक है, क्योंकि आप परमात्मा पे ध्यान कर नहीं सकते, अष्टांग योगियों के लिए बोल रहे हैं, भक्त का तो अभी बात ही नहीं चल रहा है, अष्टांग योगी जो परमात्मा पे ध्यान नहीं कर सकते, जिनका मन इतना काम से भरा है, उनको कहते हैं, और वो यूनिवर्सल फॉर्म, ठीक है, अभी यूनिवर्सल फॉर्म के बारे में भी बताएंगे कि क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं पहला चीज तो कि इस पे ध्यान करो यूनिवर्सल फॉर्म पे। दूसरा चीज कहते हैं कि ये जो भौतिक जगत है, क्या बोल रहे हैं कि
भौतिक जगत को ऐसे देखो, सब कुछ भगवान से हो रहा है, ठीक है। किसी चीज को हेट्रेड और एनवी से मत देखो, इच्छा द्वेष समुत्थे ना, यही दो कारण है व्यक्ति फंसा रहता है भौतिक जगत में। तो कह रहे हैं हेट्रेड और एनवी से ये मत देखो, तुम्हारा फिर क्या होगा, मतलब अपने थॉट प्रोसेस में नेगेटिव क्वालिटीज को हटाओ। कैसे हटाओगे, तो जब ये समझोगे ये पूरे विश्व को क्या है, यूनिवर्सल फॉर्म से देखने का प्रयास करोगे और उस भगवान को ध्यान एकत्रित करो, उसके यूनिवर्सल फॉर्म विराट रूप को, जैसे नेचर से। तो कैसा है, तो सबसे पहले बताते हैं, देखो 14 भुवन है, ठीक है ना, 14 भुवन जिसको हम लोग 3 भुवन में बांट देते हैं, एक अपर लोक को कहते हैं, एक मिडिल लोक, एक डाउन लोअर प्लैनेटरी सिस्टम। 14 भुवन में क्या बोलते हैं, सबसे पहले कहते हैं कि भगवान का जो तलुआ है, जो फीट है ना तलुआ, उसको तुम सोचो पाताल लोक है, ठीक है ना, ये सब इमेजिन करना है, ठीक है ना, उनको बता रहे जो नहीं कुछ कर सकते। उसके बाद कहते हैं एड़ी जो है वो रसातल समझो, ठीक है। अच्छा, तो कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ये विश्व रूप है, विराट रूप है भगवान का, ऐसे करके और कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया, पेड़ बना दिया, बल्कि तो ऐसे विराट रूप जो है भगवान का, कुछ ऐसे आप ले सकते हो, ठीक है। ये तो सबसे पहले जो फीट है उसको कहते हैं पाताल है, फिर उसके बाद जो एड़ी है उसको कहते हैं रसातल है, उसके बाद कहते हैं जो टखने एंकल है वो क्या है महातल है, जो पैर है टांग है, जो यहाँ होता है ना पैर टांग, उसको कह रहे हैं ये सोचो कि वो तलातल है। फिर कहते हैं जो घुटने हैं वो क्या है, दो घुटने वो हो गए आपके सुतल हैं। फिर जो जांग है, जांग का नीचे वाला पोर्शन, उसको कह रहे हैं वितल है, ऊपर वाले पोर्शन को कह रहे अतल है। फिर जो धरती है उसको समझो हिप्स है, कटी है, और जो नाभि है वो भूवर लोक है, भूलोक, फिर भूवर लोक, फिर स्वर्ग लोक क्या है छाती है, महल लोक गर्दन है, और मुख जो है जनलोक है, ये जो मस्तक है वो तपलोक है, और सत्य लोक जो है सिर है। तो ऐसे 14 भुवन में भगवान के रूप को समझने का प्रयास करो, इस प्रकार से वो बताते कि ऐसे लोग समझते हैं। अब भगवान का ये तो बाहरी देख लिया, अब आंख वाख देखते हैं क्या चीजें। तो भुजा जो है वो इंद्र है, क्या है ये भुजा, वो विराट रूप का, क्योंकि ये विराट रूप में ही सब भगवान के जितने भी देवी देवताएं सब आते हैं, तो ये विराट रूप में का जो मैंने बताया ये भुजा क्या हो गया, इंद्र है। अच्छा, जो कान है, जो कान है वो दिग्ग देवता है, दिग्ग देवता मतलब जो सभी 10 दिशाओं में देवता है वो देवता उनके हो गए। अच्छा ठीक है, भगवान सुनते क्या है, भौतिक जो शब्द जो तुम आप समझ सकते हो वो हो गए, ठीक है। अच्छा, ये नासिका क्या है, 2 नासिका अश्विनी कुमार है, ठीक है। अच्छा, और फिर मुख क्या हो गया, मुख आग समझो, अग्निदेव, अच्छा ठीक है। फिर आई जो आई बॉल हो गए वो क्या है, सूर्यदेव, अच्छा सूर्य है, ठीक है। अच्छा, ये पैलेट जो तलुआ वो है वो क्या है, वो हो गया आपका वरुण देव, अच्छा ठीक है। उसके बाद कहते हैं जो दांत है वो यमराज समझो, अच्छा ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि बहुत चीजें हैं, मैं आपको कम कम बता रहा हूँ। फिर भगवान छाती को ये समझो कि वो रिलीजन है, बैक पोर्शन जो है अधर्म है, ये धर्म है, ठीक है। और जो प्राइवेट पार्ट है वो ब्रह्मा हो गए, ठीक है। जो वेस्ट हो गया वो क्या हो गया, वो आपका ओशन हो गया, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे जो वेन है, जो वेन होती है ना नसें, वो रिवर समझो, ठीक है। भगवान के जो बाल हैं उसको पेड़ समझो, क्योंकि क्या होता है ना बाहर के हेडोनिस्टिक जो लोग होते हैं, जो नेचर से, जो भगवान से नहीं मानते, तो उनको ऐसे समझना चाहिए, अच्छा पेड़ है, पेड़ को देख करके ध्यान करना चाहिए, वो विराट रूप का क्या है, वो बाल है, इस प्रकार से किसी तरीके से उसको भगवान के प्रति ध्यान लगाना रहता है, ठीक है। नदी को देखेगा, ओ ये ओशन है, ये क्या है, भगवान उस विराट रूप के नशे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है, मोमेंट जो है भगवान जो चल रहे हैं विराट रूप, वो क्या है, वो एजेस जो पास हो रहा है, जो समय पास हो रहा है, इस प्रकार से। अच्छा, हेड के ऊपर जो ये तो हेयर हो गया,
और जो मतलब कि पूरे जो शरीर में हेयर है उसको बोला गया कि वो पेड़ है, जो ये सिर के ऊपर जो हेयर है उसको बोला गया बादल है। ठीक है, अभी बोलते हैं जो ईगो है, जो अहंकार है उसका, वो रुद्र है। ठीक है, जो नाखून है उनको कैसे समझो, वो घोड़े हैं, एलिफेंट हैं, ऐसे हैं। अच्छा, इस तरीके से और क्या बताया कि जो अब यहाँ पे बता रहे हैं जो मुख है वो ब्राह्मण है, जो भुजा है वो क्षत्रिय है, जो वैश्य है वो क्या हो गए, जांग हो गए, जो शूद्र है वो चरण हो गए। इस प्रकार से वर्ण और आश्रम को मिला दिया, यानी सब कुछ भगवान से ही स्थित है। इस प्रकार से उस व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए जो भगवान पे जिसको विश्वास नहीं है, अष्टांग योगी है लेकिन परमात्मा पे ध्यान कर नहीं सकता, उसके ध्यान का आश्रय कौन है, विराट रूप है। और कहते हैं कि जब इस प्रकार से इस विराट रूप का जो ध्यान करते हैं, ऐसे ध्यान करते हैं तो उनको क्या मिलता है, इस प्रकार से वो ध्यान करते करते उनको अपना जो गोल है वो प्राप्त होता है। और इस प्रकार से ये यहाँ पे प्रथम अध्याय समाप्त होता है। यहाँ पे उन्होंने पहले जो फर्स्ट स्टेप इन गुरु रियलाइजेशन जो है कि भगवान की अनुभूति करने का पहला जो मार्ग है वो विराट रूप के माध्यम से उन्होंने बताया इन्होंने परीक्षित को, क्योंकि परीक्षित ने पूछा भाई कि कैसे किस पे धारणा करें, किस पे धारणा, किस फॉर्म पे, तो उन्होंने विराट रूप के बारे में चर्चा किया। अच्छा ठीक है, चलो विराट रूप के बारे में चर्चा हो गए। अब पूछ रहे हैं कि क्या कोई प्रूफ है क्या, अभी भाई आपने बता दिया लेकिन पहले किसी ने किया क्या, जैसे कि अगर आप कोई जाते हो कोई रास्ते में, आप कहते हो भाई पहले भी इस रास्ते से कोई गया है क्या, तो उसी तरीके से कह रहे हैं कि दूसरे अध्याय में कि कोई किया है क्या आज तक पहले ऐसे विराट रूप का अध्याय, तो कहते अरे ब्रह्मा ही जी है स्वयं। कौन है, ब्रह्मा जी एग्जाम्पल है लो। अच्छा ब्रह्मा जी ने कब किया, तो ब्रह्मा जी तब करते हैं जैसे अभी हम लोग सब पढ़ेंगे दूसरे और तीसरे स्थान में, ये ब्रह्मा जी हर एक कल्प में फिर से सृष्टि का करते हैं, फिर से सृष्टि की रचना करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने उन विराट रूप पे ध्यान एकत्रित किया और क्या किया, उन्होंने फल को प्राप्त किया। अच्छा ठीक है, अच्छा कोई अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सुंदर चीज बोलेंगे कौन, हमारे सुखदेव गोस्वामी। इन्होंने कहा बीच बीच में देखिए, क्योंकि उन्होंने सुना था ना, अच्छा तुम लोग बोले थे योग है कर्म है, ठीक है अभी सब लेते हैं, तो उन्होंने कहा देखो कर्म कांडी लोग को देख करके बोले, जो कि कर्म को श्रेष्ठ मान रहे थे, तो कहते हैं अरे जो वेद में, क्योंकि जो कर्म कांडी भी थे वो भी तो वेद से ही बात कर रहे थे, तो कहते हैं कि जैसे जब पूछा था कि एक मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो कुछ लोग कह दिए कि भैया कर्म कांड करो, यज्ञ करो जो वेद में दिए गए। ठीक है, तब यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वेद में जो दिए गए हैं ना, क्या ये स्वर्ग वर्ग प्राप्त करना, अरे ये सब टेम्पररी है, वहां पे जो सुख है ठीक है वेद में दिए गए, लेकिन वो भगवान गीता में बोलते ना ये सब चीज लुभाने के लिए है, उसके फेरे चक्कर में मत पड़ो, वो टेम्पररी प्लेजर है। क्योंकि क्यों, क्योंकि बताते हैं ना ब्रह्मा जी के बारे में बोले ना कि क्रिएशन करते हैं, तो ये जो प्लेजर है ये स्वर्ग का, अरे ये ज्यादा से ज्यादा मान लो तुम बहुत जीव स्वर्ग में रह भी लिए तो कितना दिन रहोगे, ब्रह्मा के एक कल्प तक ही रहोगे ना, उसके बाद तो स्वर्ग लोग सब तो डूब जाता है, तो फिर आना ही पड़ेगा ना, तो क्यों वो सब चीज में जा रहे हो। तो यहाँ पे कर्म कांडियों को कहते हुए कह रहे कि अरे वो इंजॉयमेंट ऐसा है ना ड्रीम के जैसा है, जैसे स्वप्न में देखता है ना व्यक्ति, हा गुलाब जामुन खा रहे हैं, या सोने का पहाड़ देखता है, कभी कभी हम नहीं सोना देखते हैं और एक जगह पहाड़ देख लेते हैं, तो नींद में क्या देखते हैं सोने का पहाड़ देख लेते हैं, तो उसी तरीके से अरे ये देखा भी मान लो सोने का पहाड़ ये सब चीज जो आनंद कर रहे हो तो क्या है ड्रीम के जैसा। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो कर्म कांड के द्वारा जो स्वर्ग की प्राप्ति होती है वो वास्तव में क्या है, जो स्वर्ग का प्राप्ति भी होगा वो टेम्पररी प्लेजर है, टेम्पररी है मतलब कि क्षणिक भर के लिए, तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने काट दिया उनकी बात को, जो कर्म कांड भी लोग कह रहे थे कि यज्ञ करो ये करो स्वर्ग प्राप्त करो ये करना चाहिए मरते हुए व्यक्ति को,
काट दिया, एक ही श्लोक से निकाल दिया उन्होंने। अच्छा तो अब ये कहते हैं कि तीसरे अध्याय में ये बोल रहे, तीसरे श्लोक में बोलते हैं कि फिर करना क्या चाहिए। भाई कुछ तो करना चाहिए ना, कर्म आदमी को करना चाहिए, कर्म ही करना छोड़ दे क्या? नहीं। तो कहते हैं सुनो, बॉडी और सोल को फिट करने के लिए जितना चाहिए उतना करते रहो, नीड। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं एज ए नीडफुल, जितना बॉडी और सोल को टुगेदर रखने के लिए, आत्मा और शरीर को रखने के लिए जितनी चीज की जरूरत है करते रहो ना। इसीलिए प्रभुपाद जी सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग कहते हैं, थोड़ा सा प्रसाद लो, थोड़ा सा व्यायाम करो, थोड़ा सा परिश्रम करो, अपना खेती करो, अपना घर उपजाओ और भगवान का स्मरण करो, यही वास्तव में करना है। ये नहीं कि दिन रात भागे जा रहे हैं और भगवान का स्मरण करने की ताकत नहीं। और अगले दो श्लोक में बोलते हैं उस समय के लिए, तो कोई बोल सकता है कि अरे तो फिर खाएंगे कहाँ से, तो कहते हैं कि पेड़ क्या खाना देना, फल देना बंद कर दिए आज, भले पेड़ देना फल क्योंकि हम लोग इनऑर्गेनिक कर दिए सब चीज, तो उस सेंस में। लेकिन यहाँ पे चौथे और पांचवें श्लोक का मुख्य उद्देश्य यही है कि व्यक्ति को जितना जरूरत है उतना ही में उसको जीवन का गुजारा करना चाहिए, यही चीज बताते हैं कि जहां से जितना मिल सके उसी में उसको संतुष्ट करना चाहिए। और कहते हैं एक साधु को तो कभी भी जो लोभी लोग हैं ऐसे अमीर लोग के चंगुल में नहीं फंसना चाहिए कि अरे उनके कि हमको पैसा धन एकत्रित ये सब चीज में नहीं रहना चाहिए, जितना आपको जरूरत है। तो उन्हीं दो श्लोकों के माध्यम से वो बताते हैं कि जब हाथ है तो तकिए की क्या जरूरत है, जब ये पंजे हैं तो बर्तन की क्या जरूरत, इसी में खा लो। और कहते हैं जब केव है, गुफाएं हैं, तो फिर ऐसा बड़ा बड़ा स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग बनाने की क्या जरूरत। तो यहाँ पे उनका कहने का मतलब ये था, चूंकि यहाँ तो गुफा ये सब तो कुछ है ही नहीं, फल फूल कुछ नहीं है, नदी भी नहीं है पीने के लिए पानी है, तो जितना जरूरत हो सके उतना के लिए प्रयास करो, बाकी उस सब चीजों के लिए इतना मत दौड़ो जितना नीड्स है आपका। अच्छा ये नीड कौन डिफाइन करेगा, इसीलिए तो साधु की जरूरत पड़ती है, गुरु की जरूरत पड़ती है, वो आपको समझाते हैं। नहीं तो हमारा तो मन कहेगा अरे नहीं 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 नहीं, 10 BHK बिल्डिंग पूरा एकदम बंगला होना चाहिए, वो मेरा नीड है। तो वो हमको देखना पड़ेगा, वो कोविड जैसे सिचुएशन हमको दिखा भी देते हैं, जब कोविड आया तो सारे चीज़ें बंद हो गए, बहुत चीज़ें सब चीज़ समाप्त हो गया, फिर भी लोग जीवन व्यापन कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी बहुत सी चीज़ें जो इंडस्ट्री फैक्ट्री चल रहा था वो अननेसेसरली का हम भाग रहे हैं, कूद रहे हैं। व्यक्ति भगवान के प्रभुपाद जी कहते थे ना, एक एकड़ जमीन है, कुछ गाय हैं, गाय से दूध निकालो, एक एकड़ जमीन में अन्न उगाओ और खुद भोजन करो और प्राप्त करो और भगवान का स्मरण करो, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। उसी तरीके से यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। अच्छा अगला श्लोक में क्या कहते हैं कि यहाँ पे कहते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा में ध्यान करता है, ठीक है ना, उसको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाते हैं भगवान, तुरंत भगवान की प्राप्ति हो जाती है जो भगवान पे ध्यान लगाते हैं। और कहते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो एक भौतिकवादी ही होगा जो कि भगवान का आश्रय छोड़ करके हर चीज पे ध्यान लगाएगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि भगवान का आश्रय छोड़ करके सिर्फ क्या कहते हैं, जैसे इसमें शब्द आता है केचित, कहने का अर्थ है कि जो लोग, जो योगी, जो अभी जो विराट रूप वाला मैंने आपको बताया जिनका धारणा था, उसको छोड़ करके जो उनसे महान योगी हैं, ऐसे महान योगी जिनका जीवन क्या है भगवान के तरफ इतना काम वाम ये सब नहीं है, जिनका थोड़ा सा डिटैच है, थोड़ा सा पहले ही से डिटैच है, ऐसे योगी क्या करते हैं, वो परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करने का प्रयास करते हैं। और उस परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करने से क्या हो जाता है, स्वकर्मजन परितापन जुषानम, अरे सारे कर्म सारा चीज मिट जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कौन कर्म कांडी भौतिकवादी उसी चीज में फंसा रहेगा, ऐसा भोग भोग में,
भगवान का जो परमा जो योगी है वो सब चीज में नहीं फंस रहता। और यहाँ पे अब जो बताएंगे आठवें से ग्यारहवां, यहाँ पे जो धारणा है ये सुपर सोल परमात्मा का ध्यान करने वाले उन लोगों के लिए है जो उनसे ऊपर के दर्जे में, अष्टांग योगी में दो योगी हुए, एक जो विराट रूप का दर्शन कर रहे हैं और एक जो परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं, उनके लिए बताया जा रहा कि वो कैसे ध्यान करते हैं। अच्छा, वो कैसे ध्यान करते हैं तो देखिए आठवां श्लोक में बोलते हैं कि सबसे पहले वो भगवान जो कि क्या यहाँ पे दिया है वर्ड प्रादेश मात्रम। प्रादेश कहने का मतलब होता है 8 इंच, या इसको कहते हैं एक बित्ता होता ना, ऐसे हम नापते हैं एक बित्ता, तो ये एक बित्ता यानी अप्रोक्सीमेट 8 इंच समझ लीजिए। तो अभी कोई कहेगा क्या भगवान जो परमात्मा है वो 8 इंच के, भगवान तो अपनी लीला के कारण आपके हृदय में स्थित होने के लिए, परमात्मा के रूप में आपके हृदय में स्थित होने के लिए एक वित्ते के रूप में आ जाते हैं, यानी 8 इंच के रूप में पहले तो सुपर सोल को दिखता है, ठीक है। अच्छा, परमात्मा को देख रहा है, ठीक है। अब वो आगे क्या देखता है, क्या देखता है, चतुर्भुज। चतुर्भुज है ना, शांताकारम भुजग सैनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योग्य भीर ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भय हरनम सर्वलोक एकनाथम। तो ऐसा जो भगवान का भक्त है, जो भगवान का पद्म चक्र गदा शंख इस चतुर्भुज में भगवान का दर्शन करता है योगी, आगे क्या देखता है, अभी आगे तो बहुत जबरदस्त, आहा क्या देखता है, भगवान का मुख देखिए। भगवान का मुख जो होता है बड़ा सुंदर मुस्कान होता है उस मुख में, ऐसा नहीं मुरझाया नहीं, मुस्कान है भगवान के मुख में। आप देखो जैसे इसीलिए विग्रह जो है भगवान के मुस्कुराते रहते हैं। फिर आंख कैसे, नेत्र, अरे नेत्र जो है वो कैसे हैं, वो कमल के। अब देखिए ये सब कमल बताया जाता है ताकि आपको समझ में आ सके, ऐसा नहीं सोचना चाहिए वो भगवान का कमल है, नहीं वो आपको समझाने के लिए कमल जैसा सुंदर है, वास्तव में कमल भी नहीं है। आप जब भगवान का दर्शन करोगे तो कहोगे अरे भगवान ये तो बहुत बड़ा हम अपमान कर दिया आपका, कमल के आंख से आपका, कमल से आपका आंख का दर्शन मतलब की बराबरी कर दिए। कमल भी कुछ नहीं है, पर आपको समझाने के लिए अब कुछ ऐसा मैं आपको बता दे सास है जो आपने कभी सुना ही नहीं है, तो फिर आप कहोगे क्या है भाई, इसलिए समझाने के लिए बताया जा रहा है आंख जो है कमल के समान सुंदर है। उस समय जब कमल होता था, अभी तो आज कमल भी नहीं होता है इतना सुंदर, तो इसलिए। और कहते हैं जो धोती है, आहा धोती है वो पीतांबरी है, पीले रंग की है, और ऐसा नहीं कि गंदा पीला रंग का, चमक रहा है कैसे बिजली की तरह, बिजली की तरह चमक रहा है, और ऊपर से हीरे ये सब जो डायमंड्स के साथ एकदम नहीं आता है उसमें लगा हुआ कई कई बार धोती, तो उस प्रकार से। और कहते हैं कि ऑर्नामेंट्स मतलब भगवान के जो श्रृंगार है, आभूषण है, वो कैसे हैं, भगवान ने आभूषण कैसे पहने हैं, पूरा गोल्ड गोल्ड से एकदम लगा हुआ है। अच्छा, और क्या है, जो इयररिंग है भगवान का, जो कुंडल है जैसे लसत कुंडलम, तो वो कुंडल जो है भगवान का वो वास्तव में, अरे वाह, ऐसा कुंडल है कि भगवान के जो गाल में ना वो कुंडल की परछाई आ रही है, ऐसा है वो भगवान का, तो शाइनिंग कर रहा है भगवान का कुंडल, एकदम चमक रहा है, पॉलिश मारा हुआ है। इस प्रकार से आगे क्या बोलते हैं कि भगवान का जो चरण है कहाँ है, अगर देखे तो भगवान का चरण जो है जो कि कमल के समान है, वो लाखों करोड़ों कमल जो कि योगियों का हृदय जो कमल के समान है, ऐसे कमल में स्थित है। तो भगवान का जो कमल जो चरण है, चरणामुजम पद जो है वो कमलों के, कमलों के कमल जो है उनके गुच्छे में है, ऐसे ना कमलों का गुच्छा है उसके ऊपर भगवान का चरण है। अच्छा, आगे क्या कहते हैं, जो छाती है, छाती में वो क्या है, कौस्तुमणि है, और किसका, शिवस्त्र का चिन्ह है, तो कौस्तुमणि लटक रहा है,
और भी हीरे जौहरा से भगवान पहने हुए। अच्छा हाथों में अंगुलियों में क्या है, क्या उंगली ऐसे खाली है? नहीं, अंगूठी। देखिए कितना डिटेल में दिया जा रहा है, उंगली में कि अंगुली में क्या है, अंगूठियां हैं जो रिंग्स हैं, एक एक चीज का वर्णन दिया जा रहा है। और क्या कहते हैं कि भगवान के गर्दन में मालाएं लगी हैं, वैजंती माला, ऐसे नहीं सुना है वैजंती माला या वन माला, क्योंकि कौन से पुष्पों के द्वारा जो ऐसे पुष्पों के द्वारा उनका किया जा रहा है। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं कि भगवान का जो वेस्ट है, कमर है, कमर में क्या लगा हुआ है, कमर में भगवान के कमर बंदी है, उसको कमर बंदी ही बोलते हैं क्योंकि कमर में लगा रहता है। और भगवान के क्या चीज है, तो कहते हैं कि आगे कि भगवान का जो अब बाल कैसे हैं, वाह घुंघरालू है, कर्ली हेयर है, ऐसा भगवान का मुख है, रूप है और मुस्कान है। तो उस तरीके से और क्या कह रहे हैं कि भगवान के मुख में और भगवान का बाल में ऑयल तक लगा, अरे वाह, कि और बैंगल पहना है भगवान ने, लेगलेट्स मतलब कि नूपुर पहने हैं, इस प्रकार से सारे रूपों का वर्णन करते हैं। कौन ध्यान करता है परमात्मा रूप में, ऐसे नहीं कुछ भी परमात्मा ज्योति देख रहे हैं, नहीं, यहाँ पे पूरा वर्णन आ रहा है जो श्रीमद भागवत में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि भगवान निर्विशेषवादी या निराकार नहीं है, बहुत ही महान है। निराकार इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनका आकार ऐसा नहीं है हमारे जैसा, इतना सुंदर रूप का स्मरण करते हैं कौन, परमात्मा का योगी लोग। इस प्रकार से जब वो स्मरण करते हैं और आगे बोलते हैं, आगे के श्लोकों में कह रहे हैं कि अच्छा ये स्मरण करने के बाद भगवान के उन लीलाओं का जो एक प्रकार से आशीर्वाद देने वाले हैं, उन लीलाओं का वो लोग पूरी तरीके से मग्न रहते हैं। देखिए लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं और उसके बाद क्या होता है, फिर जब वो लीलाओं का स्मरण करके धारणा हो जाती है तो उनका ध्यान कैसे होता है, अब यही जो देखिए लीलाएं भगवान के, राम लीला है, कृष्ण लीला है, तो ऐसी लीलाओं का जब वो इस प्रकार से स्मरण करते हैं, अच्छा रूप का, तो ये धारणा करते हैं, उसके बाद ध्यान क्या करते हैं, एक एक अंगों पे, एक एक अंगों पे ध्यान करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि जब हम विग्रहों का क्या करते हैं, दर्शन लेते हैं, तो चरण कमल से ओ भगवान के चरण कैसे हैं, ओ हो हो भगवान के चरण में देखो नुपुर कैसे हैं, ओ हो हो हो, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते रहना चाहिए और भगवान के फिर मुख का दर्शन करना चाहिए। इससे क्या होता है आदमी का जो, नहीं तो हम लोग क्या होते हैं, हम जाते हैं हरे कृष्णा देख लिए फिर हाँ अरे क्या चल रहा है, हम कई बार लोगों से पूछो भैया भगवान ने आज क्या वस्त्र पहने, अच्छा भगवान ने हमने तो देखा ही नहीं है, तो ये चीज हो जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि भगवान के चरणों का दर्शन, भगवान के विग्रहों का दर्शन चरणों से लेकर के मस्तक तक, ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए जो कि बार बार दर्शन करते हैं और बार बार स्मरण करते रहते दिन भर। तो इस प्रकार से भगवान के चरणों का दर्शन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, तो ये ध्यान होता है। और इसके बाद जो पर्सन यहाँ पे कहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति ऐसे नहीं कर सकता है, परमात्मा के रूप का दर्शन नहीं कर सकता, वो विराट रूप का करता है, विराट रूप का करते करते अगर वो शुद्ध हो गया तो फिर परमात्मा के रूप का करता है, नहीं तो फिर नहीं करता, फिर विराट रूप में ही लगा रहता है। अच्छा ये तो हो गया, अब ये बताइए कि मिलता क्या है, ये परमात्मा का तो ध्यान कर लिए हैं, इसके बाद बताइए कि मिलता क्या है। तो अगले श्लोक 15वें श्लोक में कहते हैं, यम से प्रत्याहार तक का पूरा एक ही श्लोक में बता देते हैं कि यम से प्रत्याहार में क्या कहते हैं, कि सबसे पहले जो घर को छोड़ता है, फिर किसी उचित काल या स्थान का जैसे उत्तरायण ये सब स्थान का देखता है, उसके बाद प्राण वायु को नियमित करके इंद्रियों को वश में करता है, अष्टांग योगी, अच्छा ये कर लिया, उसके बाद क्या करता है, देखिए
मन को क्या करता है, इसमें मर्ज कर देता है, इंटेलिजेंस में, इंटेलिजेंस को जीवा में, जीव को परमात्मा में लीन कर देना। अभी देखिए, ये लीन कर देने का मतलब ये नहीं है कि अस्तित्व खत्म हो जाता। मैंने आपको बताया था कि एक हरा तोता जा करके कहां उसमें लीन हो जाता है, किसमें, पेड़ में। जैसे हमारे यहाँ अभी देखिए एक चूहा जा रहा है, ठीक है ना, ये चूहा, ठीक है ना, अभी उसमें ऐसा लगेगा कि लीन हो गया है, लेकिन वो लीन नहीं हुआ है, वो चूहा का अस्तित्व बना हुआ है पर हमको दिख नहीं रहा है, बस हमको अभी वो दिख रहा है, क्या बोलते हैं, जो वो लगा हुआ है कपड़ा, तो वो कपड़े के अंदर। उसी तरीके से जैसे एरोप्लेन कुछ देर तक दिखता है फिर वो गायब हो जाता है, तो हम कहते हैं अरे गायब हो गया, तो गायब हो गया पर उसका अस्तित्व नहीं खत्म हुआ। उसी तरीके से अस्तित्व नहीं खत्म हुआ है, किसका, जीव का। तो जीव जाके परमात्मा में लीन हो जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद उसके ऊपर क्या किसी का इफेक्ट रहता है, बोलते नहीं, ना काल का प्रभाव पड़ता है, ना देवताओं का, ना गुणों का, ना प्रकृति का। ऐसा क्यों? अरे भाई, जब उसने परमात्मा में लीन हो गया, परमात्मा से सब निकल रहा है ना, भगवान से सब चीज निकल रहा है ना, गुण वुण सब, जब वो भगवान में ही लीन हो गया है तो फिर कहां से उसके ऊपर इफेक्ट होगा काल का, किसी चीज का प्रभाव नहीं होता है। अच्छा, ये चीज हो गया। आगे बोलते हैं कि वो योगी जो होता है वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, और कैसे वो, तो फिर वो परिचित मना पूछते, प्रोसेस तो बताइए, आपने तो शॉर्टकट में मार दिया, प्रोसेस बताइए। तो प्रोसेस कहते हैं, क्या कहते हैं कि किस प्रकार से करता है, तो देखिए योगी प्रोसेस है, तो वो बता रहे हैं कि बहुत से वायु होते हैं हमारे में, ठीक है, प्राण, अपान, उदान, ये सब वायु, तो प्राण वायु जो होता है जिससे प्राण संचारित होती है, चक्र होते हैं हर जगह, तो मूलाधार चक्र से, अपने एड़ी से मूलाधार चक्र को रोक देता है। अच्छा, उससे क्या होता है, प्राण वायु को ऊपर भेजता है, प्राण वायु जब यहां पे आ जाती है नाभि में, तो यहां पे एक चक्र होता है जिसको कहते हैं ये स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपूरक चक्र, इन चक्रों के माध्यम से वो हवा जो प्राण वायु है उसको ऊपर उठा करके हृदय में लाता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अनाहत चक्र होता है, यहाँ पे अनाहत चक्र से वो ये जो प्राण वायु होता है उसको गर्दन पे लेके आता है, ठीक है, प्राण वायु, अच्छा ठीक है, वहां पे ले आया। फिर उसके बाद, तो उसके बाद क्या कहते हैं कि अनाहत के बाद, नहीं, अनाहत यहाँ पे रहता है, स्वाधिष्ठान मणिपूरक अनाहत, ये विशुद्धि चक्र यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, अज्ञ चक्र होता है, अज्ञ चक्र से वो क्या करता है, वो प्राण वायु को यहाँ पे अपने आईब्रोज में के सामने स्थित कर लेता है, यहाँ पे अज्ञ चक्र से माध्यम से, और फिर वो क्या करता है, भगवान पे समाधि करते हुए ब्रह्म निर्दम यहाँ से ये फोड़ करके प्राण वायु जो है, ये जो स्थित होती है प्राण वायु में ही आत्मा स्थित होती है, उसको निकाल करके यहाँ से फोड़ करके निकाल देता है, और जो उसका डेस्टिनेशन होता है, ब्रह्म में लीन होना चाहता है ब्रह्म में लीन हो जाता है, भगवान का वैकुंठ का प्राप्त करना चाहता है तो वैकुंठ को प्राप्त करता है। लेकिन बहुत ही सुंदर चीज एक बोलते हैं हमारे, तो ब्रह्म रंध्र कहते हैं उसको, यहाँ पे एक सुंदर चीज है ध्यान देने वाला, 18वें श्लोक में, परम पदम वैष्णवम, वैष्णवम पदम, विष्णु का ध्यान करना, और दूसरा चीज कह रहे अनंत सौहिदा, उस भगवान पे वो ध्यान करता है जो कि परम आनंद में है, जो सबके सुहिदम, कौन है, गीता में बोलते हैं ना भगवान, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहिदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम शांति मृच्छति, वो सुहिदम भगवान का स्मरण करता है। देखिए आ गया ना, बिना भक्ति के अंग का टच किए हुए मुक्ति नहीं मिलता किसी को। तो अब ये जो भी है उसकी ब्रह्म रियलाइजेशन, परमात्मा रियलाइजेशन करके वैकुंठ अगर जाना चाहता है, वैष्णव पदम अगर वो वैकुंठ जाना चाहता है, या भगवान के चरण में लीन होना चाहता है, जो भी उसकी इच्छा है, उस भगवान का स्मरण करता है। क्या चीज स्मरण करता है कि भगवान, यानी एक प्रकार से सुखदेव गोस्वामी के अनुसार, भागवत के अनुसार, ये ब्रह्मवादी भी जानते हैं कि भगवान का रूप है, लेकिन
उनको लीन होने में ही ज्यादा आनंद आ रहा है, तो इसलिए वो लीन होते हैं। आप समझ रहे हैं, उनको पता है तभी ना वो पद का चरण का। अभी भी देखिए वो क्या लिखा है, परम पदम वैष्णवम, वो इस भगवान विष्णु के पद पे पैरों पे क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी इनको भी पता है कि वैकुंठ भगवान जो वैकुंठ पति हैं वो निराकार नहीं है, आकार है, साकार है, लेकिन हाँ इच्छा क्या है, हमको उनके में लीन होना है या किसी को वैकुंठ जाना है। तो जब तक भक्ति का टच नहीं मारेगा भक्ति को नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, ये तो आपने बता दिया, ये तो तुरंत मुक्ति हो गया। ये जो प्रोसेस बताया, ये जो प्रोसेस हमने बताया है, ये एडवांस योगी लोग का है। अष्टांग योगी में दो योगी है ना, तो एक तो विराट रूप में जिन्होंने धारणा किया और एक जो है परमात्मा के रूप में ध्यान किए। अच्छा, जिन्होंने परमात्मा के रूप में ध्यान किया और जिन्होंने तुरंत इस प्रकार से उनका हो जाता है। अच्छा मान लीजिए किसी को, जैसे कुछ लोग होते हैं, सिंपल समय बताता हूँ, रांची से जिसको दिल्ली जाना है, कुछ लोग होते हैं कहते हैं अरे बस दिल्ली पहुंचना है, कुछ लोग होते हैं अरे नहीं आराम करते हुए चलेंगे ना, थोड़ा सा मुगलसराय उतर जाते हैं, वहां पे खा पी लेते हैं, अगला ट्रेन पकड़ते हैं थोड़ा सा कानपुर उतर जाते हैं, वहां पे खा पी लेते हैं, फिर वहां से गाजियाबाद हो लेते हैं, थोड़ा सा वहां पे खा पी लेते हैं, फिर कहते हैं आप चलते हैं दिल्ली। तो जिनको थोड़ा सा आनंद सब चीज का लेना है कि हाँ भैया यहाँ पे क्या था, क्या चीज है यहाँ पे, ओ यहाँ पे तो आगरे का पेठा बग में सो रहे हैं, अरे वाह यहाँ पे खा लेते हैं, ये प्रयागराज का अमरूद फेमस है, अरे वाह खा लेते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर। तो जो जिनको चाहते कि थोड़ा सा मौज करते हुए चले, तो उन लोगों के लिए क्या है, तो यहां से बताते हैं उन लोगों के लिए क्या है। तो ऐसे लोग जो कि देखिए, ये भी लोग जो हैं योगी, ये कर्मिक डिजायर नहीं है इनका, इनको कुछ ना कुछ पाना है, जैसे ज्ञान तप ये सब में आ सकती है, ऐसा नहीं कि उनको स्त्री में आ सकती है, वैसा नहीं। तो उनके लिए कहते हैं सबसे पहले वो लोग पहुंचते हैं वैष्णवानर लोक। वैष्णवानर लोक कौन है, स्वर्ग लोक ही है। वैष्णवानर लोक मतलब कहने का मतलब है वैष्णवानर अग्नि लोक, जो वहां पे अग्निदेव है। तो सबसे पहले वो लोग, ऐसे लोग कहाँ पहुंचते हैं, अग्निदेव के पास पहुंचते हैं। अच्छा अग्नि लोक में, फिर वहां से कहाँ जाते हैं, शिशुमार जो होता है, यह हम बताएंगे पांचवें स्कंद में, या हमारे दास गदाधर प्रभु कॉस्मोलॉजी में बताएंगे विष्णु जो होता है, शिशुमार करके कॉन्स्टेलेशन होता है, सप्त ऋषि ऐसे करके, तो शिशुमार में पहुंचते हैं। उसके बाद कहाँ जाते हैं, उसके बाद जाते हैं महरलोक, स्वर्ग लोक के ऊपर महरलोक है, वहां पे क्या करते हैं। अच्छा भाई, तो महरलोक में वो देखते रहते हैं, ठीक है। महरलोक के बाद जब पूरा देखते हैं कि अरे बाप रे बाप, जब ब्रह्मा जी क्या होते हैं सोने लग जाते हैं, और जब सोते हैं तो पूरा महर लोक तक, जनर लोक तक क्या होता है, सब डूब जाता है। तो वो महर लोक से ऊपर चले जाते हैं सत्य लोक में, जहां ब्रह्मा जी रहते हैं, ठीक है, वहां पहुंच गए। अब उनकी इच्छा है या तो सत्य लोक में बैठ करके ब्रह्मा जी के साथ आनंद अनुभव, देखिए सत्य लोक का परिभाषा दे रहे हैं, सत्य लोक में ना तो मृत्यु है, ना दुख है, ना बुढ़ापा है, ना किसी प्रकार का बीमारी है, किसी चीज का नहीं है। सोचिए सिर्फ इस भौतिक जगत में, जब सत्य लोक में ऐसा कुछ नहीं तो वैकुंठ में क्या होगा, तो वहां पे कुछ नहीं, पर एक चीज का दुख रहता है। क्या दुख रहता है, वहां के लोग सोचते हैं अरे बताइए, वो नीचे देखते हैं ना, कहते हैं कीड़े की तरह रेंग रहे हैं लोग, सब फेसबुक में लगा, अरे वो देखो व्हाट्सअप देख रहा है, अरे वो देखो क्या कर रहा है, अरे 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 क्या खाने पीने में बस लगा हुआ है, अरे भोग तृप्ति में, बड़ा दया आता है उन लोग को। तो वो लोग भी कभी कभी नीचे उतर आते हैं, कहते हैं यार बोल के आते, थोड़ा सा भगवान का भजन कर लो, बहुत आनंद है इधर, पर क्या करें। तो इस प्रकार से जब वो लोग देखते हैं तो बस उनको यही चीज का दुख रहता है। साफ साफ लिखा है कि उनको एक ही चीज का दुख होता है, 27वें श्लोक में मैं ये बता रहा हूँ कि क्या चीज का दुख रहता है, तो कि भगवान का दुरंत दुखम प्रभानुतर्सना, एक ही चीज का दुख है, ये लोग भजन नहीं कर रहे हैं। अच्छा उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद अगर वो सत्यलोक में है, या तो ब्रह्मा जी के साथ वेट करें, जब ब्रह्मा जी जब वापस जाएंगे भगवान के धाम तो वो जाएं, और नहीं तो उससे पहले भी वो जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, तो ये शायद बताया होगा प्रभु जी ने भगवद गीता में, कवरिंग होता है ब्रह्मांड, ठीक है, ब्रह्मांड का कवरिंग होता है, ये समझ लीजिए ब्रह्मांड है हमारा,
इसके बाद एक एक कवरिंग होता है, ये महत्त्व का कवरिंग होता है, ठीक है। इसके बाद फॉल्स ईगो का कवरिंग होता है, इसके बाद इसका माइंड का किसका रहता है, हाँ फॉल्स ईगो, महत्त्व, फायर एथर, हाँ फॉल्स ईगो, ये जैसे ये कवरिंग हो गया, ये महत्त्व हो गया, ये फॉल्स ईगो हो गया, ये फिर आपका ईथर स्काई का हो गया, फिर ऐसे कवरिंग रहता है, एयर का कवरिंग, फिर फायर का कवरिंग, फिर वाटर का कवरिंग, फिर अर्थ का कवरिंग, ऐसे कवरिंग, और एक एक कवरिंग यही 5 बिलियन योजन है, सोच लीजिए। ऐसे फिर ये 10 गुना इतना मोटा, जैसे कोहरे का पर्दा जैसा है वैसे चादर बिछा हुआ है, तो इसको भेद पाना बाप रे बाप, इसी को भेद नहीं पाता आदमी, तो ऐसे भेदते हुए आपको निकलना है, सोचिए। तो इस प्रकार से वो क्या करता है, तो इसको भेदता है, इसको भेदते, इसको भेदते, इसको भेदते, इसको भेदते हुए फिर जो होता है, किसको भेदता है, फिर इस प्रकार से जो पंच मात्र इंद्रियां हैं, जैसे कि ज्ञान इंद्रियां हैं, जो हम कान से सुनते हैं और मुख से जो टेस्ट करते हैं, इस प्रकार से सब इंद्रियों को भेदते हुए, फॉल्स ईगो को भेदते हुए, महत्त्व को भेदते हुए, फाइनली जा करके जो ब्रह्म ज्योति है, जो महाविष्णु लेटे हुए है ना, कारणो दक्षाय विष्णु में, कारणो ओशन में जो लेटे हुए भगवान, कारणो दक्षाय विष्णु ऐसे लेटे हुए ना, वो भगवान महाविष्णु के क्या बोलते हैं, चरण में जा करके वो मिलता है, और वहां पे जा करके उस प्रकार से ये चीज बताते हैं। तो यहाँ पे दो प्रोसेस बताया गया है, तो अगर इसको समरी में रूप में मैं आपको बताऊं तो क्या बताया गया है, आपके इजी के लिए मैं बता दूं, सॉफ्टवेयर के रूप में मैं आपको समझाऊं, जैसे आजकल लोग सॉफ्टवेयर फ्लो चार्ट बनाते हैं ना, तो मान लीजिए हमने बताया, एक तो है जो भगवान के विराट रूप का दर्शन करते हैं, मान लीजिए पहले हम यहां से आते हैं ना, यम करते हैं, फिर नियम करते हैं, फिर क्या करते हैं, हम आसन करते हैं, फिर प्रत्याहार करते हैं, प्राणायाम करते हैं, फिर प्रत्याहार करते हैं, अच्छा प्रत्याहार कर लिया, अब धारणा करते हैं। अभी जिसका मन एकदम दूषित है, जो कर ही नहीं सकता, वो या तो करता है किसके ऊपर, विराट रूप के ऊपर, जिसका मन दूषित है, और नहीं तो दूसरा वाला किसके ऊपर करता है, परमात्मा के ऊपर, ठीक है ना। अच्छा, अब या तो वो विराट रूप से फिर परमात्मा की तरफ जाकर के ध्यान करे, और परमात्मा से हमने आपको बताया वो क्या करता है, जो भगवान के परमात्मा, जो क्रम मुक्ति, जो सत चक्र मैंने बताया, 6 चक्रों को यूज करके वो भगवान को प्राप्त कर लेता है, लिबरेशन, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। या तो वो ऐसे जाए यहाँ पे, फिर परमात्मा का, अब मान लीजिए उसको नहीं नहीं हमको हर स्टेशन घूमना है, तो फिर वो कहाँ जाता है, वो जाता है यहाँ पे, कहाँ पे सबसे पहले जाता है, वैष्णवार्ण लोक, यानी मतलब स्वर्ग लोक लिख लेते हैं, सिंपल सा स्वर्ग लोक जाता है, स्वर्ग लोक के बाद थोड़ा सा घूमता है, महल लोक पे घूमता है, महल लोक से ऐसे करते करते ब्रह्म लोक, सत्य लोक के पास आता है, सत्य लोक के बाद ये 5 जो है कवरिंग को भेजते हुए, सारे कवरिंग को भेजते हुए वो फिर ये लिबरेशन प्राप्त करता है। तो ये लंबा प्रोसेस है भैया, उसको मजा दे करके जाना था। अब मान लीजिए कहीं बीच में उसको आसक्ति हो गया, तो स्वर्ग में अप्सराओं का डांस देख करके उसको आसक्ति हो गया, तो हो गया, फिर चलेगा वापस, फिर वापस आ जाएगा यहाँ पे धरती लोक में मौज करने, और नहीं तो मोस्टली नहीं होता है, लेकिन हो गया तो होने का तो भैया कुछ भी हो सकता है, जनरल प्रोसेस बताया गया, ऐसे तो हर व्यक्ति का अलग अलग तरीका है, तो स्वर्ग लोग महल लोग इस तरीके का, और नहीं तो डायरेक्ट परमात्मा पे जो ध्यान लगा दीजिए। ये सिर्फ चल रहा है अष्टांग योग की बात, भक्ति योग की बात नहीं, अष्टांग जो योगी लोग हैं उनकी प्रोसेस की बात की जा रही है, ऐसे लोगों की। अच्छा ठीक है, तो यहां तक हमने बताया,
अष्टांग योग के बाद कि ये चीज, अब ये कहते हैं ये चीज कहाँ आपने सुना, कोई बताया है या अपने मन से ऐसे कोई चीज बताया जा रहा है? तो ऐसे तो कुछ नहीं बताएंगे सुखदेव गोस्वामी, लेकिन फिर भी हमारी संतुष्टि के लिए बोलते हैं कि ये जो भी मैंने आपको बताया, ये सारा पाठ जो है भगवान कृष्ण ने क्या किया, भगवान वासुदेव ने ब्रह्मा को ये दो पाठ बताए थे जो कि तुमने आज मुझसे पूछा। ये जो सारा चीज बताए हैं ये ब्रह्मा को वासुदेव, और ये उपनिषद में भी आया है। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये उनका टीका है सारार्थ दर्शनी से हम पढ़ रहे हैं, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये सया हृदय स्थिता अथा मर्त्यो अमृतो भवते अत ब्रह्म सम्माश्नुते। कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरी तरीके से कामनाओं से मुक्त है वो परमात्मा के रूप में ध्यान करता है, देखिए यही है ना, परमात्मा के रूप में ध्यान करता है और वो मोक्ष को प्राप्त करता है। ये आपका आता है कथा उपनिषद से। अच्छा, और जिसके बारे में भी डिस्क्राइब किया गया है क्या, ये अपने मन से बोला है तो ये भी डिस्क्राइब किया गया है, कहाँ कहाँ गया है, बृहद आरण्यक उपनिषद में कहते हैं कि ते ऋचि अभिसम भवंती, तो वो कहाँ रिच करते हैं, देखिए वैष्णवानंद लोग अभिरंचति, वही स्वर्ग लोग मैंने लिख दिया है, वैष्णवानंद लोग सन प्लांट में रिच करते हैं, तो उनका भी ऐसे मुक्ति होता है। तो ये क्रम मुक्ति है, धीरे धीरे ये डायरेक्ट मुक्ति है। तो ये चीज का भी वर्णन भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया है, ऐसा अपने मन से आप देखोगे। भागवत का सबसे बड़ा विशेष चीज यही है कि बार बार आचार्य कहते हैं कि शास्त्रों में दिया है, बार बार कहेंगे, देखो कोई भी शास्त्र में बार बार लोग बोलेंगे कि वेद में ऐसे दिए हैं, कभी भी कोई नहीं कहेगा कि मेरा मन का उपजा हुआ है, ये चीज है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां तो 32 श्लोक तक पूरा हो गया, हमने जान लिया। अब यहां से बोलते हैं भक्ति योग के बारे में। अभी बता देना कर्म योगी जो लोग योगी लोग बोल रहे थे ना अष्टांग योग, ठीक है आपने अष्टांग योग बोला, बता देते हैं उन लोगों के लिए भी। अब कर्मकांड योग तो एक ही श्लोक में उखाड़ के फेंक दिया, अरे स्वर्ग तो हट, स्वर्ग का जो प्राप्ति है, जो जो प्लेजर है वो तो क्षणिक है, वो तो तुरंत खत्म होने वाला है, उसको तो साइड हटाओ। अष्टांग योगियों के बारे में सब बता दिया। अगला श्लोक में कहते हैं 33वें श्लोक में क्या करें, नाही अंतो अन्य शिवा पंथा विसता संसिता भी वासुदेवे भगवती भक्ति योग यतो भवे। क्या करें, नाही अतो अन्य शिवा पंथा विसता संसिता इव वासुदेवे भगवती भक्ति योग यतो भवे। कह रहे हैं कि तुमको किसी भी मार्ग से जाना है, चाहे इस मार्ग से जाओ या इस मार्ग से जाओ, कोई भी दोनों तरीके से अगर मोक्ष की प्राप्ति, अगर तुमको सिर्फ लिबरेशन प्राप्त करना है तो क्या करना होता है, उसमें साधना जो है भगवान का आपको वो चाहिए ही होता है। इसलिए कह रहे वासुदेव की भगवती, वासुदेव की भगवती करना ही पड़ता है। अरे सोचो, जो भगवान का स्मरण करते हैं, जो भगवान का श्रवण करते हैं, उनको क्या हो जाता है, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण तो भक्ति, भक्ति कहने का मतलब है प्रेम दे देते हैं। मोक्ष छोड़ो, मोक्ष तो इन लोगों को मिलता है, तुमको प्रेम मिल जाएगा ऐसे भगवान का स्मरण करने से, जिस भक्ति के थोड़ा सा टच मात्र करने से लोगों को मोक्ष मिल जा रहा है। इसीलिए बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं, जब से मैंने भक्ति लिया मेरे पीछे पीछे मोक्ष ऐसे हाथ देख करके खड़ी रहती कि मुझे भी तो अपना लो। मोक्ष का प्रॉब्लम क्या है कि आज तक उसको कोई अपना नहीं पाता है, क्योंकि भक्ति, भगवान के भक्त उसको लेते नहीं है, ठीक है, और बाकी कर्मी लोग मोक्ष प्राप्त कर नहीं पाते हैं। तो बेचारी कहती है कि भैया आप हमको प्राप्त कर लो, वो ऐसे घूमती रहती है। बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं मेरे दरवाजे पे खड़ी है भीख मांगते, पर मैं मोक्ष भी नहीं दे रहा, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। अरे प्रेम मिल रहा है यहाँ पे कृष्ण के, और कहते हैं हमारे आचार्य कहते हैं ये कोई वैसा भक्ति नहीं है, वो कोई सोचेगा रति वाला रूपानुगा रागानुगा भक्ति नहीं, साधना भक्ति है ये।
हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर स्वयं बोल रहे हैं अपने इस तात्पर्य में कि ये जो भक्ति योग जो प्रेम उत्पन्न हो जा रहा है ये वास्तव में, अरे ये प्रेम ये इन प्रोसेस से नहीं मिलता है, सिर्फ भक्ति करने से। और कैसा भक्ति? जिसमें श्रवणम कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम साधना का पहला प्रोसेस है। तो वो जो भगवान का श्रवण कीर्तन करते हैं, स्मरण करने लग जाते हैं भगवान का, उनको प्रेम प्राप्त हो जाता है, ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, आगे के श्लोक में क्या कह रहे हैं कि अच्छा भाई आप जो बोल रहे हैं क्या ऐसा वेदों में तो कह रहे हैं? अगला ही श्लोक में कहते भगवान ब्रह्म काशेना, भगवान ब्रह्म काशेना तिरेर अन्वेक्षया मनीषया तत् अध्यवसयत कूतोस्ता रतिर आत्मान यतो भवे। ब्रह्मा जी ने, चार मुख वाले ब्रह्मा जी ने तीन बार पढ़ाई किया है वेदों का। क्या लिखा है? त्रीड अन्वेक्षया, तीन बार निरीक्षण करके बता रहे हैं। ये जो चीज हम बता रहे हैं आपको, तीन बार निरीक्षण करके, एक बार नहीं हो सकता। कोई कहे एक बार में, जैसे नहीं कई बार लोग पेपर में गलत मार्क्स आ जाता है, सर जी चेक करिए ना फिर से, शायद कम नंबर है। सर जी कहते ठीक है चेक कर लेते हैं, ठीक है ठीक है ओके। हाँ, तो तीन बार निरीक्षण किया वो चतुर्मुख ब्रह्मा ने चार मुख से, और ये चीज बता रहे हैं क्या कि अरे भगवान वसुदेव, वासुदेव की भगवती भक्ति करने से, भगवान का श्रवण करने से क्या हो जाता है? प्रेम प्राप्त हो जाता है। तीन बार, एक बार नहीं तीन बार निरीक्षण किया, इसीलिए कह रहे हैं त्रीण अनिवृक्ष मनीषया। प्रभुपाद जी क्या तात्पर्य सुंदर इसका लिख रहे हैं हम लोग को समझाने के लिए, इसका अनुवाद कहते हैं महापुरुष ब्रह्मा ने ध्यान पूर्वक तथा अत्यंत मनोयोग से वेदों का तीन बार अध्ययन किया और उनकी भली भांति समीक्षा कर लेने के पश्चात, परीक्षा निरीक्षण करने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पूर्व पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण जो रति है धर्म का सर्वोच्च सिद्धि है। कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। कितनी बार निरीक्षण किए? तीन बार निरीक्षण किए हैं। इसीलिए क्या कहा? प्रेमा पुमार्थो महान, कृष्ण की प्रेम प्राप्त करना वही जीवन का लक्ष्य है। धर्म अर्थ का मोक्ष है वो बाकी शास्त्रों के लिए है। यहाँ पे श्रीमद भागवतम पुराण अर्को, अरे जो पूरे श्रुति स्मृति का अखिल श्रुति स्मृति सार एकम सार है ये। जैसे मधुमक्खी जो फूलों के रस जो होता है सार होता है, जैसे पेड़ों का, हाँ पेड़ों में रस होता है लेकिन सार, आम के पेड़ में कहाँ रस मिलता है? आप क्या आम का वो टहनी चबाते हैं या आम का पत्ता खाते हैं? हाँ उसमें भी रस मिलेगा, लेकिन जो पका हुआ आम, अरे वाह, उसका जब मैंगो जूस बनता है हमारे बच्चे दौड़ जाते हैं। अब उनको बोलेंगे कि अरे वो आम का पेड़ है ना वो पत्ता खा लो ना, अरे प्रभु जी वो आप ही खाइए ना, हमको तो मैंगो जूस खाना, सबको मैंगो जूस पीना है। तो अरे मैंगो जूस में यही तो बताया जा रहा है ये श्रीमद भागवतम, कि वो श्रीमद भागवतम का अगर स्मरण पहले श्रवण कोई करता है वो भगवान की लीला प्रेम प्राप्त हो जाता है। वो प्रेम क्या है? जो रति है, जो भगवान के प्रति रति, वही वास्तव में सबसे उच्चतम चीज है। धर्म अर्थ काम मोक्ष भी नहीं है। मोक्ष तो ठीक है, मोक्ष ठीक है, रहने दीजिए, सोचिए। अच्छा आगे क्या बोलते हैं कि अच्छा ये भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त होगा, किस प्रकार से प्रेम प्राप्त होगा? क्योंकि परीक्षित महाराज कहते हैं अरे भैया हमारे पास टाइम नहीं है इतना लंबा लंबा प्रोसेस करने का, ध्यान लगाओ धारणा लगाओ ये करो वो करो लिबरेशन, पता नहीं अभी इतना समय नहीं है, 7 दिन बचा हुआ है, कहाँ कुछ नहीं है, आप बताइए कैसे। तो परीक्षित को भी कहे वो तो मैंने उन लोगों के लिए बता दिया जो तुम्हारे सामने बोल रहे थे योग योग योग, टेंशन मत लो मैं तुमको बताऊ तो बेस्ट। जैसे आजकल लोग कहते हैं अरे प्रभु जी बताइए ना, जैसे आजकल 2 मिनट का टिकटॉक टाइम टिकटॉक चलता है, 2 मिनट के वीडियो हमको दिखाइए, उसी तरीके से आप बताइए सार क्या है, सार क्या चीज है वो चीज बता दीजिए। तो कहते हैं अगले श्लोक में भगवान सर्वभूतेषु लक्षिता स्वात्मना हरि, कि भगवान कौन है जो सारे जीवों के लक्ष्य हैं,
वो क्या है? दृश्य बुद्धि आदि भिद्रष्टा लक्षर अनुमाप कह रहे हैं कि जो भगवान का हम कैसे समझ सकते हैं, वो भगवान को कैसे समझा जा सकता है। तो कहते हैं अपने बुद्धि से, पहले बता रहे हैं कि अपने बुद्धि से समझने का प्रयास करो क्या कि हम शरीर नहीं आत्मा है। हर कोई समझ सकता है, हम जैसे कहते हैं ये मेरा हाथ है, ये मेरा नाक है, हम कभी कहते हैं ये मैं हाथ हूं नहीं बोलते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, हम देखते हैं। अच्छा, ये देखते भी हैं, अगर हमारे पास आंख है पर कोई रोशनी ना हो, अभी तो इलेक्ट्रिसिटी आ गया, मान लीजिए अंधेरा हो जाता है, सूर्य की रोशनी नहीं रहती, हमको देख सकते हैं क्या? तो आंख होने पर भी हमको किसी चीज का माध्यम का जरूरत पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी या तो सनलाइट। तो यानी हम डिपेंडेंट हैं। इस तरीके से जब व्यक्ति समझता है कि वो नेचर है, नेचर किसके अंदर है, मैं अध्यक्ष प्रकृति सूर्यते सचराचरम। अच्छा, एक और चीज है, हर व्यक्ति ये भी सोचना चाहिए कि हम हर व्यक्ति बुद्धिमान भी नहीं है, किसी को तुरंत याद हो जाता है, किसी को तुरंत याद भी नहीं होता है। अच्छा, ये डिफरेंस क्यों है? तो साइंस बोलेगा वो जीन्स के कारण, एक्चुअली दिस इज द केमिकल कंपाउंड, दिस वो कहते हैं लाइफ कम फ्रॉम मैटर। प्रभुपाद जी कहते हैं मैं तुमको सारा मैटर देता हूँ केमिकल कंपाउंड, तुम लाइफ दे दो, दे पाओगे? आज तक वो कहते नहीं नहीं हम कल फ्यूचर में करेंगे। फ्यूचर में करोगे तो करोगे ना, अभी तो नहीं ना दे पा रहे हो। और क्या सिर्फ केमिकल कंपोजिशन से ही हम बने? यानी आप एक तरीके से कह रहे हो कि जो पिता माता का प्रेम है बच्चों के प्रति वो सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन है और कुछ नहीं है। यानी आप इमोशन को एक सिर्फ केमिकल से बता रहे हो, मैटर है वो। हम क्यों जीना चाहते? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, हर कोई दुख ही नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि मेरे जीवन में दुख है, फिर भी दुख आ रहा है, क्यों आ रहा है, प्रश्न होना चाहिए। हर कोई सोचता है कि हम सुखी रहे, हर कोई सोचता है कि हम मरे ना, वो बात अलग है कि फ्रस्ट्रेशन में आकर के सुसाइड करता है। पर हर व्यक्ति से कहो कि मरना, कोई व्यक्ति नहीं मरना चाहता, अगर कोई कहे तो उसे कहो कि छत पे कूद कर दिखाओ, नहीं कूद देगा, कोई नहीं चाहता है डिसीज ये सब चीज, लेकिन फिर भी आ रहा, क्यों आ रहा है भाई? और पहली चीज हम क्यों इच्छा कर रहे हैं? अगर केमिकल कंपोजिशन ही बने हैं तो ये इच्छा ही रोक दो, ऐसा कुछ केमिकल करो ना कि रुक जाए इच्छा, नहीं होता है। तो ये चीज जब व्यक्ति थोड़ा सा, इसीलिए पहले बोल रहे कौन सुखदेव गोस्वामी, ये मत सोचो कि भावना से, इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूदा भाव समन्विता। बुद्धि और भावना दोनों से समझो, इसीलिए हमारे आचार्य कहते श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र के विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पादे व कल्पते। जो लोग कहते ना हम तो भगवान को मानते पर वेद को नहीं मानते, शास्त्रों को नहीं मानते, मैं गारंटी दे रहा हूं, लिख करके मैं आपको दे रहा हूं, आज नहीं तो कल वो भक्ति भगवान को भी नहीं मानेंगे, क्योंकि उनकी जो भावना है सिर्फ भावुकता है, भावुकता है, सेंटिमेंटल है। हमारे आचार्य कहते हैं कि अरे हरि की भक्ति, अरे हरि की भक्ति भी अगर कोई करता है स्मृति स्मृति से नहीं करता है, यानी जब उसको पता होगा तब ना कि श्रुति स्मृति में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है। हमारे प्रभुपाद जी पागल हैं जो रात रात भर बैठ करके ये श्रीमद भक्ति वेदांत तात्पर्य दिए हैं। क्यों दिए हैं? क्योंकि व्यक्ति समझे कि हरि की भक्ति कैसे करनी है, अपने मन से नहीं करना है। हमारा तो मन कर रहा, हम तो राधे राधे बोल रहे हैं 24 घंटे। लोग बोलते हैं कि मन में चल रहा है, प्रभु जी चल रहा है। तो ये चीज होता है जब हमारा भक्ति सिर्फ भावुकता में रहेगा, हम जब बुद्धि और भावना दोनों से नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल भटक जाएंगे, या तो ऐसा कुछ पकड़ लेंगे रास्ता, जैसे बिल्व व्यक्ति विनोद ठाकुर जब आए थे तो 13 पसंदाय आ गए थे। सोचिए वही महाप्रभु जहां ने जन्म लिया था, वो महाप्रभु अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो, वो कलयुग में भगवान महाप्रभु वो हरि नाम देने आए थे, वही नवदीप वही बंगाल में जब भक्ति विनोद ठाकुर आए तो 13 संप्रदाय प्रकट हो गए थे। क्यों? क्योंकि लोग छोड़ दिए थे श्रुति स्मृति के माध्यम से, नहीं अपने मन से सहज रूप से, सहजिया उनको कहते थे, ऐसा हो गया था। तो इसलिए बहुत जरूरी है, इसीलिए यहाँ पे पहले बोल रहे परीक्षित को, परीक्षित ऐसा नहीं है, श्रुति स्मृति से पहले अपने बुद्धि से समझने का प्रयास करो कि कैसे भगवान वास्तव में। इसीलिए ये आपको सोचोगे डायरेक्ट है, इसीलिए श्री प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि हम डायरेक्ट दशम स्कंद में जाएंगे भगवान, क्यों इतना
आप सोचो, सबसे बड़ा चीज प्रामाणिकता ये है, एक व्यक्ति 7 दिन में मरने वाला है, समझिए 7 दिन में उसके पास समय नहीं है। उसको सबसे पहले ये बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की क्रिएशन कहाँ से हुआ है। मूर्ख हैं सुखदेव गोस्वामी जी, हमारे आचार्य मूर्ख हैं, इतना तात्पर्य दे रहे हैं, क्यों इतना लंबा लंबा प्रभुपाद जी बहुत लंबे लंबे तात्पर्य दिए, समय कम है इसलिए हम आपको बता नहीं पा रहे हैं, नहीं तो इतने लंबे लंबे तात्पर्य दिए प्रभुपाद जी, क्यों मूर्ख नहीं है, आप समझने का प्रयास करो। व्यक्ति अगर सिर्फ और सिर्फ भावुकता में अगर हम भक्ति को अपनाएंगे, नहीं टिकेगा, नहीं टिकेगा, क्योंकि जैसे फाउंडेशन जो चीज दिखता नहीं है ना, कई बार वही फाउंडेशन जैसे बिल्डिंग का फाउंडेशन हमको नहीं दिखेगा, लेकिन जितना गहरा फाउंडेशन होगा उतना ये स्ट्रांग खड़ा रहेगा। नहीं तो फाउंडेशन अगर कमजोर है, सिर्फ दिखाएंगे बाहर से बड़ा बड़ा स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग, एक हवा में वो गिर जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है, और फाउंडेशन क्या है, श्रवणम, शास्त्रों का श्रवणम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक सुनेंगे नहीं तब तक क्या स्मरण करेंगे। तो यही चीज बोल रहे हैं इस श्लोक में, 35वें श्लोक में, बहुत सुंदर श्लोक है। और अगले श्लोक में 36वें श्लोक में बहुत लंबा तात्पर्य है प्रभुपाद जी का, समय नहीं है आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सुंदर तात्पर्य है। 36वें श्लोक में कह रहे हैं, तस्मा सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य भगवान नाम। फिर वही चीज क्या, बार बार देखिए क्यों इतना स्ट्रेस दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य, यानी ये तीन जो है भक्ति के अंक है, सबसे हाईएस्ट है, खास करके ये कलयुग के लिए एकदम बेस्ट है कि हम क्या करें। तस्मा सर्वात्मना राजन, कि हे राजन, क्या जैसे उस समय बोले थे सर्वात्मा वो भगवान हरि, फिर से कह रहे वही हरि जो सर्वत्र हैं, सभी जगह हैं, अरे उनका तुम भक्ति करो, ये सब प्रोसेस में मत पढ़ो, सिर्फ सुनते रहो श्रीमद् भागवतम, मैं लिख के दे रहा हूं गारंटी, श्रद्धा पूर्वक तुम सुनोगे तुमको भगवान की प्राप्ति, हरि की प्राप्ति जरूर होगी, वो तुम्हारा मन को भगवान हरि हर लेंगे। ये कौन कह रहे, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, कह रहे हैं, और हमारे आचार्य बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर, समय कम है इसलिए फिर भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, कहते हैं कि तस्मात देयर फोर, जैसे कहते हैं ना जैसे स्टेटमेंट हम लिख देते हैं देयर फोर तस्मात, ये सब के बाद कि हाँ आप सुनो, लेकिन क्या कह रहे तस्मात की कंक्लूजन, कंक्लूजिव स्टेटमेंट सुनो, क्या है कि वो भगवान जो है सभी सर्वात्मना हरि, सर्वत्र हैं, सर्वदा हैं, सभी के में हैं और सभी काल में है थे, सभी काल से हैं, ऐसा नहीं कि आज हैं भगवान। कई बार लोग कहते हैं अरे कृष्णा तो द्वापर युग में आए हैं, हम देखेंगे द्वापर युग में तो आए हैं, जैसे हमने बताया भी था भगवान द्वापर युग में आए हैं, लेकिन वो द्वापर युग में लीला किए इसका मतलब ये मत सोचो वो द्वापर युग ही में आए थे, ब्रह्मा के हर कल्प में आते हैं, अरे वो तो नारायण के भी स्रोत हैं, वो कृष्ण आदि नारायण हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो वही चीज कह रहे हैं कि वो जो सर्वत्र सर्वदा है, सभी जगह है और सभी समय में है, ऐसे भगवान का सर्वात्मना पूरे मन से, फिर देखिए ध्यान, सर्वात्मना, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा मन इधर दे रहे, थोड़ा सा मन उधर दे रहे, थोड़ा सा मन इधर दे रहे, नहीं नहीं, जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करना चाहता है वो सर्वात्मना, उसको अपने पूरा मन भगवान में देना चाहिए। जब तक भगवान में पूरा मन नहीं देगा, संपूर्णता मन कैसे देना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ देना चाहिए, सर्वात्मना कहने का मतलब है कि सब कुछ हम जो करते भगवान हरि की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, सम सिद्धे हरि तोषणम, हरि की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, हमें देखना चाहिए हम ये जो कार्य कर रहे हैं भगवान को प्रसन्नता आएगा कि नहीं आएगा। जब ऐसा कोई भी कार्य व्यक्ति करता है वो भगवान को प्राप्त करता है। सर्वात्मना, सर्वात्मना सर्वता सर्वदा, ऐसे भगवान का जब वो क्या करता है, सुनता है, कीर्तन करता है और स्मरण करता है,
तो वो क्या होता है, वो भगवान को प्राप्त करता है। और हमारे आचार्य कह रहे ये बार बार क्यों बोला जा रहा है, क्यों सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं श्रोतव्यश्च कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च, बता रहे हैं कि भाई यही मुख्य अंग है। और अगला जो आखिरी श्लोक है इस दूसरे अध्याय का, कहते हैं बहुत सुंदर, कहते हैं पिबन्ति ये भगवत आत्मना सतम कथामृतम श्रवण पोटेशु संभृतम पूनन्ति ते विषया विदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्छरणासरोरुहान्तिकम्। पीबन्ति, फिर पीना है, क्या कह रहे हैं, पीबन्ति ये भागवत, जो ये भागवत को पीते हैं, सिर्फ कैसे पीते हैं, कानों से जो पीते रहते हैं, पीबन्ति ये भागवत आत्मना सताम, ऐसे सताम जो भक्त हैं, जो भगवान के, जो सताम कहने का मतलब है जिनकी मति जो है सती हो चुकी है, अब भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे सताम भगवान के भक्त जो ये भागवत को पीते हैं, कहते कथा अमृतम, अरे अमृत के रूप जैसा ये कथा है भगवान का, श्रवणम पुटेशु, कैसे कानों के भीतर क्या करते हैं, परिपूर्ण पवित्रम, पवित्र कर देते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि पवित्र कर देता, पहला चीज क्या करता है, जो पीता है भगवान के कथा अमृत को इन कानों से, उसके हृदय को पवित्र कर देते हैं। अच्छा, हृदय पवित्र हो जाता है, फिर क्या कहते हैं कि विषय से पवित्र कर दिया, फिर क्या कहते हैं, व्रजन्ति तत् चरण सरोरुहांतिकम, अरे वो भगवान का चरण मिल जाता है। सोचिए जिस भगवान के चरण का जो एक प्रकार से छूट गया था, वियोग हो गया था धरती को, तो कितना रुक रही थी, रो रही थी, ऐसे भगवान के चरण का क्या मिल जाता है, उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर श्लोक है, तो कह रहे कि दो चीज प्राप्त होता है, जो भगवान के पीता है ऐसे भक्तों को क्या मिलता है, दो चीज प्राप्त हो जाता है। 37वें श्लोक का है, पहला चीज है कि वो उसको विषय अनासक्त हो जाता है, विषयों से अनासक्त हो जाता है पूरी तरीके से, या एक तरीके से कह सकते हैं अनासक्त हो जाना विषय से, या ये भी चीज कहा जा सकता है कि पवित्र हो जाता है, मन उनका पूरा पवित्र हो जाता है, पवित्र हो जाता है। अच्छा, पवित्र हो जाता है, फिर क्या होता है दूसरा चीज, जब तक मन पवित्र होगा नहीं, इसीलिए ना क्या बोलते हैं, चिन्वतां स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवणम कीर्तन हृदय अंतस्थतो अभद्राणी विधुनोति सुहिस्सताम। विधुनोति, थो देते हैं भगवान, एकदम लेकर के झाड़ू और पूरा एकदम स्क्रबर से पूरा आपका हृदय को साफ कर देते हैं जो भगवान की कथाओं को सुनता है, अनासक्त हो जाना। और दूसरा फिर क्या होगा, फिर भगवान के क्या निष्ठा आ जाती है, भगवान के चरण के ऊपर भगवान का चरण प्राप्त हो जाता है। सोचिए सिर्फ और सिर्फ इतना लंबा प्रोसेस हमने आपको बताया, सोचिए सिर्फ श्रवण करके जो व्यक्ति पीता है सताम, जो सिर्फ ये श्रद्धा, सताम किसे होंगे, जब श्रद्धा रहेगा नहीं भागवत देगा हमको भगवान के प्रति, तो ऐसे भगवान का चरण मिल जाता है। सोचिए भगवान का चरण प्राप्त हो जाता है, जो सबसे पहले क्या करना है, भगवान का श्रवण करना है श्रद्धा पूर्वक, ये भागवत है हमें देगा भगवान, उसकी मति अपने आप सती होगी, क्योंकि वो सुनेगा हाँ मुझे भागवत सुनना है। और जब वो भागवत को सुनता रहेगा क्या होगा, जब वो पीना स्टार्ट करेगा ऐसे कथा जो अमृत है, अपने आप जो है भगवान उसके हृदय से सारा मल को धोते रहेंगे, बस हमें हाथ नहीं पकड़ना है कृष्णा का, अरे नहीं नहीं कृष्णा मत धो मत धो, थोड़ा सा गंदगी में अच्छा लग रहा है, आदत हो गई ऐसा नहीं बोलना है। तब क्या होगा कि हम पूरी तरीके से जब मन साफ हो जाएगा
तो हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, भगवान के चरणा हो जाएंगे। और कुंती महारानी कहते कि अरे भगवान आपके चरणा का दर्शन, चरण के दर्शन हो जाते हैं, व्यक्ति भव सागर से मुक्त हो जाता है, वो तो सेकेंडरी है, प्रेम प्राप्त हो जाता है। प्रेम सोचिए, हमें सोचना चाहिए, सुखदेव गोस्वामी जो कि मोक्ष प्राप्त कर सकते थे लिबरेशन तक, उसमें बहुत आनंद है, ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा, वो सब छोड़ करके भागवत सुनने बैठ गए, गृहित चेता चेतना अपना लगा दिए इसको सुनने में, तो कुछ तो होगा इसमें। अगर हम भी भगवान के सुनते रहेंगे ये कथाओं को, तो सही में भगवान के प्रति रति, हमारी भी अगर रति प्राप्त हो जाए, वो भगवान के प्रति हमारी मन सती हो जाए, मति सती हो गई और रति हो गई, तो हमारी गति भी परम हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथा श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।